हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। प्रभाकर मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी से क्लास 12 के मैथ में एक्सरसाइज 8.1 को पढ़ेंगे और आज इसी सेशन में हम लोग जितने भी क्वेश्चन हैं हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सेशन थोड़ा लंबा होगा प्यारे बच्चों, हालांकि मैं कंप्लीट थ्योरी आपको बता दिया हूं, मैं आपको एग्जांपल्स बता दिया हूं, एक्सरसाइज आपको खुद से बनाना चाहिए और आप खुद से बनाइएगा भी। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा सिर्फ और सिर्फ उसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप करें इस वीडियो से, इस लाइव क्लास से देखिएगा, क्योंकि एग्जाम में तो बनाना आप ही को है। मैं क्वेश्चन लिख दिया हूं यहां पर, आप इसको कोशिश कीजिए बनाने का। अभी आप क्या कीजिए, वीडियो को पहले पॉज कीजिएगा, इसके बाद खुद से कोशिश करना है। जैसे आप एग्जाम्पल्स बनाए हुए हैं 1 से 5 तक, उसका कंसेप्ट आपको यूज करके इस तरह के क्वेश्चन को बनाना है। अभी तो बहुत सुविधा है, आप मेरा भी क्लास लाइव देख रहे हैं और भी कई सारे टीचर का क्लास आप लाइव देख रहे हैं, देख सकते हैं। लेकिन सिर्फ क्लास देखने से नहीं होगा, आपको अपना कंसेप्ट को बढ़ाना पड़ेगा, अपने लॉजिकल पावर को आपको बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर आपको एग्जामिनेशन में सक्सेस मिलेगी। और सिर्फ एग्जामिनेशन पास करना हम लोगों का लक्ष्य नहीं है, हम लोगों का लक्ष्य है एग्जामिनेशन बढ़िया अंक से पास करना, नौकरी चाकरी लेना, समाज की सेवा करना। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर बराबर x एंड द लाइन x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4 एंड x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। इस तरह से तेजी से सवाल पढ़िएगा ना तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जिस प्रकार से अभी हम पढ़े, यदि आप इस प्रकार से पढ़िएगा तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। समझ में कैसे आएगा, आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है। देखिए क्या कीजिए कि कुछ कर्व दिया हुआ है, उस कर्व को आप नोट कीजिए। आपको मेरे साथ लिखते भी जाना है, समझ गए, आपको मेरे साथ लिखते भी जाना है। गिवेन कर्व्स आर, दिया गया कर्व बताइए क्या क्या है, दिया गया कर्व क्या क्या है, दिया गया कर्व 1y² = x, 1y² = x है। एक नंबर मान लीजिए, एक है लाइन x = 1, x = 1, दो नंबर मान लीजिए, और ये लिखा हुआ है ये लाइन है। फिर एक आपका x = 4, ये भी आपका लाइन है, ये लिखा हुआ है x = 4, ये आपका लाइन है, ये लिखा हुआ है। और आपका है x एक्सिस का मतलब y = 0, x एक्सिस का मतलब y = 0, ये आपका हो गया 4 नंबर, ये x एक्सिस, ये क्या हो गया, ये आपका हो गया x एक्सिस, क्या हो गया बाबू, x एक्सिस। देखिए ये तीनों का तो नाम लिखा हुआ है, नाम यहां पर नहीं लिखा हुआ था, ये क्या चीज का कर्व है, ये नाम नहीं लिखा हुआ है, समझ गए, यहां पर नाम नहीं लिखा हुआ है। तो आपको मेरे साथ एक मंत्र बोलना है और फिर आपको समझना है। आप मेरे साथ मंत्र बोलिए, बोले मास्टर जी, सब लोग बोलिएगा, जोर से बोलिएगा, मास्टर जी, यदि संबंध यानी कि रिलेशन एक्स और वाई में वो साथ ही साथ कोई एक जगह दो पावर हो तो मास्टर जी वह
हमेशा बहरा बोला होता है। जोर से बोलना है, क्या बोले? एक्स और वाई में रिलेशन है, और यदि एक जगह दो पावर रहेगा तो क्या चीज का समीकरण होगा? जोर से बोलो, क्या चीज का? जोर से बोलो, क्या चीज का? जी पैराबोला का। पैराबोला का समीकरण कितने प्रकार से बताएं? पैराबोला कितने प्रकार से बताएं? चार प्रकार से। कितने प्रकार से? कितने प्रकार से जी? देखो यहाँ पर वाई पे पावर दो है ना, बोलो हाँ। पावर किस पे दो है? जोर से बोलो, किस पे दो है? मुंह किधर खुलेगा? आजू बाजू। मुंह किधर खुलेगा? जोर से बोलो, मुंह किधर खुलेगा? आजू बाजू। मुंह किधर खुलेगा? आजू बाजू। मुंह किधर खुलेगा जी? आजू बाजू। देखो प्लस है कि माइनस है? प्लस है ना। प्लस है तो किधर खुलेगा? आजू। प्लस है तो किधर खुलेगा? आजू। समझ गए? आजू मतलब दाएं तरफ। आप देखो एंड नो, इधर सुनो कैसे बनेगा। ए यहाँ देखो, सब यहाँ देखो कैसे बनेगा, क्योंकि इसका इम्पोर्टेंट पार्ट है फोटो को बनाने, यानी कि कर्व को ट्रेस करना। इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है जी? बोलो कर्व को बनाना। क्या ए मेरे साथ बोलो सर, कोई आपस में बात नहीं करेगा, मेरे से बात करेगा उससे नहीं करेगा। कर्व को बनाना, ये कितना हो गया? बोलो वाई। ये कितना जी? एक्स्ट्रा। ये बोलो जोर से कितना जी? वाई डैश। अच्छा नो, एक चीज तुमने लिखा है, देखो यहाँ पर किसमें एरिया बोल रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इधर जो है ना, इधर याद रखना, फर्स्ट क्वाड्रेंट हम नहीं लिख पाए हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन याद रखना किसका एरिया निकालना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का। ये बताओ ये क्या चीज का समीकरण हो गया? बोलो पैराबोला का। वाई स्क्वायर बराबर कितना है? एक्स। वाई स्क्वायर बराबर कितना है? एक्स। चलो एक नंबर नाम दिया है, यहाँ पर भी एक लिख दो। अब देखो एक्स बराबर है, मेरे साथ चिल्ला के बोलो, सब चिल्ला के बोलेगा, बोलेगा मास्टर साहब, ए मास्टर साहब, फिर बोल बैठता है मास्टर साहब, एक्स बराबर वाई के पैरेलल, मास्टर साहब, एक्स बराबर वाई के पैरेलल, मास्टर साहब, वाई बराबर एक्स के पैरेलल, मास्टर साहब, वाई बराबर एक्स के पैरेलल। यहाँ पर तो एक्स बराबर है, वाई बराबर है, एक्स बराबर क्वाई बराबर, एक्स बराबर क्वाई बराबर, किसके पैरेलल होगा? किसके पैरेलल होगा? वाई के पैरेलल। किसके पैरेलल होगा? ये दोनों वाई के पैरेलल होगा ना, दोनों वाई के पैरेलल होगा ना, बोलो हाँ। एगो एक दूरी पे और एगो कितना दूरी पे? चार दूरी पे। ये तुम्हारा हो गया एक्स बराबर वन, और ये तुम्हारा कितना हो गया जी? x बराबर 4। यहाँ पे लिख दो ये पैराबोला है, अभी बताया था ना पैराबोला। चलो ठीक है, ये हो गया। अब देखो क्या बोल रहा था क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ो, किससे किसके बीच में निकाला था एरिया? बोलो पैराबोला, ये दोनों लाइन और x एक्सिस, यानी कि ये वाला एरिया निकाला था। ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखो, एकदम ध्यान से देखो, इसका एरिया निकालना है, समझ गया? नीचे का एरिया नहीं लेना है। बोलो क्यों? क्योंकि क्या बोल रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोल रहा है। क्या बोल रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसीलिए नीचे वाला हम लोग नहीं लेंगे। क्या नहीं करेंगे? बोलो नीचे वाला नहीं लेंगे। चलो इधर देखो, इस पोर्शन का एरिया निकालना है। इस पोर्शन का क्या निकालना है? एरिया। सुनो क्या करेगा, क्या बनाएगा जी? क्या बनाएगा बोलो? स्ट्रिप बनाएगा। स्ट्रिप। क्या बनाएगा? स्ट्रिप। स्ट्रिप वर्टिकल स्ट्रिप बना लो। कैसा स्ट्रिप बनाएगा? वर्टिकल स्ट्रिप। कैसा स्ट्रिप बनाएगा? वर्टिकल स्ट्रिप। चलो इस तरह से क्या करो कि स्ट्रिप बना लो। नहीं बताया, छोरी ने पढ़ाया क्या? पढ़ाया ना जी। चलो बताओ तो ये एक्स एक्सिस पे इसको क्या लिखेगा? dx। क्या लिखेगा? dx। और ये ऊंचाई लंबाई क्या हो जाएगा? y। क्या हो जाएगा? y। क्या होगा? नो फोर्स बोलो क्या होगा? y। अब देखो एरिया बताओ तो कितना होगा? ra का मतलब क्या हो जाता है? रिक्वायर्ड एरिया। ra का मतलब क्या होता है? नो फोर्स बोलो ra का मतलब रिक्वायर्ड एरिया। देखो क्या होगा,
याद है इंट्रीगेशन बोले हैं। yes, देखो ये आयत है ना जी, ये आयत है ना, ये रेक्टेंगल है ना, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल जो समझ लो क्या होता है, लंबाई को ना चौड़ाई, लंबाई कितना है चौड़ाई कितना है बोलो वाई डी एक्स, कितना हो जाएगा वाई डी एक्स, कितना होगा जी, और जोर से बोलो वाई डी एक्स, कितना होगा सुनाई पड़ा, जोर से बोलो कितना होगा वाई डी एक्स। नुनू रे क्या छूट गया, बोलो लिमिट क्या छूट गया, क्या छूट गया जी, यहाँ पे dx लिखा है ना, यहाँ पे dx लिखा है कि dy, dx लिखा है कि dy, dx लिखा है तो किसका लिमिट जाएगा x का, किसका लिमिट जाएगा x का, सुनो x यहाँ पर कितना है, मार लो पटाके, x कितना है यहाँ पर x कितना है, अरे बोल भाई जी, रो कौन बोल रहा है जी, यहाँ पर x कितना है जी, यहाँ पर x कितना है, तो क्या होगा x बराबर एक से लेकर x बराबर कहाँ तक, चार तक, कहाँ तक जी, चार तक। बोलो मास्टर साहब, ए मास्टर साहब, मास्टर साहब, ए मास्टर साहब, हम लोग स्ट्रिप को पैराबोला के नीचे बनाए हैं, मास्टर साहब, ए मास्टर साहब, स्ट्रिप को पैराबोला के नीचे बनाए हैं, यानी कि ये वाई जोर से बोलो, ये वाई पैराबोला के लेंगे, पैराबोला का मतलब एक, पैराबोला का मतलब एक, बोलो पैराबोला का मतलब एक, यानी कि वाई का मान कहाँ से निकालेगा, बोलो समीकरण एक से, कहां से निकालेगा, कहां से निकालेगा एक से। चलो इधर आओ, रिक्वायर्ड एरिया बराबर, नुनू रे पहले एक से निकालो वाई का मान, तभी लिखना, पहले निकालो एक से निकालो तो वन इंप्लाई क्या है जी, वाई बराबर निकालोगे तो कितना जाएगा रूट एक्स, अब लिखो देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया बराबर इंट्रीगेशन एक से चार और वाई की जगह पे रूट एक्स और डी एक्स, कोई दिक्कत, किसको समस्या है जी, बोलो, चलो ए, चलो कौन बताएगा रूट एक्स के इंटीग्रेशन क्या होता है, बोलो तो क्या होता है, जोर से बोलना, टू बाय थ्री एक्स पे पावर थ्री बाय टू और लिमिट बोलो कितना जी, जोर से बोलो लिमिट कितना, लिमिट कितना जी, सुनो दो बटे तीन कॉन्स्टेंट है ना, बोलो हाँ सर, बाहर ले लिए, चिल्ला रहा है, नहीं चिल्लाएगा तब आकर सुटने लगेगा, जोर से चिल्लाना है, दो बटे तीन कॉन्स्टेंट है, क्या किए बाहर ले लिए, एक्स के जगह पे क्या रखेगा, चार, एक्स के जगह पे क्या रखेगा, फिर माइनस देकर, क्योंकि लोअर लिमिट से पहले माइनस देते हैं, एक्स के पावर क्या लिखेगा, बोलो तीन बटे दो, क्या लिखेगा, तीन बटे, मुंह वैसे करके नहीं बैठना, बोलना है, बोलो क्या लिखेगा, एक पे पावर दो, तीन बटे दो, आप सुनो, दो बटे तीन, चार को क्या लिखेगा, बोलो दो स्क्वायर, चार के जगह पे क्या लिखेगा, चार के जगह पे क्या लिखेगा, और इस पे पावर क्या लिखेगा, तीन बटे दो। अच्छा एक बात बताओ, एक बार कुछ भी पावर देंगे कोई दिक्कत, कोई समस्या, यदि दिक्कत समस्या नहीं तो बोलो क्या कटेगा, दो खत्म, दो बटे तीन नुमरे, दो पे पावर तीन कितना, आठ घटाओ एक, यानी कि दो बटे तीन गुना सात, कहने का मतलब है कि रिक्वायर्ड एरिया बराबर कितना हो गया, सात गुने चौदह, ऐसे मिलाओ तो स्क्वायर इंच, अब वही तो पूछे मिलाओ ना, हमको देख रहा है, अरे ऐसे मिलाओ ना, देखाएंगे सर, फटाफट नोट करो इसको, मेरे साथ लिखते भी जाना है, चलो आ जाओ, अब क्वेश्चन नंबर दो पढ़ते हैं, एकदम उसी तरह से है, देखो तो क्या लिखा हुआ है, बोलो तो फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन bounded by y square equal to 9x, x equal to 2, x equal to 4 and the x axis in the first quadrant, बिल्कुल उसी तरह से है, पहले कर्व लिख लो, solution क्या लिखेगा, given
तरफ आर, बताओ तो कितना है y = 9x और x = 2 और x = 4 x एक्सिस का मतलब y = 0 यस सर, ये तुम्हारा हो गया x एक्सिस और एक क्या लिखा हुआ है फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट ये लिखा हुआ है नो देखो तो अब पहले बताओ इसका नाम एक नंबर दे दो, इसका नाम दो, इसका नाम तीन, इसका नाम दे दो चार, y स्क्वायर एक ही जगह पावर दो है ना, अभी क्या बताए थे एक जगह दो पावर रहेगा तो किसका समीकरण होगा पैराबोला, किसका हो जाएगा पैराबोला का, यानी कि ये तुम्हारा पैराबोला है, दो नंबर में x बराबर है ना, बोलो x बराबर है तो किसका समीकरण है लाइन का, बताए थे ना x बराबर लाइन का समीकरण, x बराबर किसका समीकरण किसके समांतर y के समांतर, x बराबर है तो लाइन का समीकरण है y के समांतर, यानी कि ये तुम्हारा लाइन हो गया, ये भी लाइन हो गया, ठीक है, ये x तो दिया हुआ है, अब देखो तो y स्क्वायर बराबर 9x है ना, तो बताओ कि मुंह ये किधर खुलेगा, y स्क्वायर है ना तो आजू बाजू में मुंह खुलता है, y स्क्वायर है तो मुंह किधर खुलेगा आजू बाजू में, है या नहीं, बोलो प्लस है तो किधर खुलेगा आजू, प्लस है तो किधर खुलेगा आजू, हाई पार्टी, हाई पार्टी नहीं, बोलो आजू या बाजू, आजू आजू किधर खुलेगा मुंह आजू में, ठीक चलो आजू में मुंह खोलो तो इधर सुनो इधर देखो कैसा मुंह खुलेगा, इधर सुनो बिल्कुल उसी के जैसा बनेगा, ठीक है, ये क्या हो गया बोलो x, ये क्या हो गया y, बोलता नहीं मेरे साथ आकर सोचने लगेंगे आप, ये कितना जी कितना y है और ये कितना हो गया जीरो, चलो समीकरण बताओ इसका क्या है समीकरण है y स्क्वायर बराबर 9x, इसका समीकरण है y स्क्वायर बराबर कितना 9x, इसका क्या नाम दिया एक, चलो सुनो एक तो तुम्हारा y बराबर 0 है ना, y बराबर 0 का मतलब क्या हो जाता है बोलो x एक्सिस, y बराबर 0 का मतलब x एक्सिस, y बराबर 0 का मतलब x एक्सिस, अब देखो x बराबर है तो किसके समांतर रेखा होगा y के समांतर, बोलो y के समांतर, x बराबर है ना किसके समांतर y के समांतर, एक दो दूरी पर और एक चार दूरी पर, एक कितना दूरी पे लेना है दो, देखो एक दो दूरी पे और एक चार दूरी पे, ये तुम्हारा हो गया x बराबर 2 और ये तुम्हारा हो गया x बराबर 4, और क्या कहता है फर्स्ट क्वाड्रेंट का होना चाहिए, क्या कहता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो देखो अब कलर करो, देखो ये कर्व के नीचे हो गया ये लाइन, ये लाइन, ये एक्स एक्सिस और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, हालांकि हो सकता था नीचे भी, यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं बोलता तो हम लोग को दो से क्या करना पड़ता गुना करना, चलो अब देखो अब एक वर्टिकल स्ट्रिप बनाएगा कि नहीं बनाएगा, यस सर वर्टिकल स्ट्रिप बना लो, ये हो गया डी एक्स, बोलो ये क्या लिखेंगे y, y जोर से बोलो क्या लिखेंगे y, अब चलो रिक्वायर्ड एरिया लिखवाओ तो बोलेगा क्या लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया बराबर ये आयत हो गया ना, यस सर स्ट्रिप आयत होगा, बोलो बोलो इसका क्षेत्रफल क्या होगा लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि y dx, क्या लिखेगा इंटीग्रेशन में लिखते हैं ना y dx, यहाँ पर dx है कि नहीं है, yes, बोलो यहाँ पर dx है कि नहीं है जी, yes, dx है तो किसका लिमिट जाएगा x का, dx है तो किसका लिमिट dx है तो किसका लिमिट जी, जोर से बोलो dx है तो किसका लिमिट dx है तो किसका लिमिट x का, बोलो x बराबर क्या है दो और x बराबर क्या है चार, तो यहाँ पर x बराबर हो जाएगा दो और x बराबर कितना होगा चार, फिर से बोलो जैसे मंत्र बोलो एक
चिल्ला चिल्ला के मंद बोलना, बोलना मास्टर साहब, मास्टर साहब, मास्टर साहब, यहाँ पर स्ट्रिप हम लोग पैराबोला के नीचे बनाए हैं, यहाँ वाई पैराबोला होगा, वाई क्या लेगा, वाई क्या लेगा, जो ए मार्वो सोटर है, बोल नहीं रहे वाई क्या लेगा, पैराबोला, पैराबोला कितना है, समीकरण ए, पैराबोला कितना है, समीकरण ए, पैराबोला कितना है, समीकरण एक, अब समीकरण एक को हल करके पहले y का मान निकालो, एक को हल करो, सॉल्व करो, देखो y स्क्वायर है ना, y बराबर 3√x हो जाएगा, y बराबर कितना हो जाएगा, 3√x, बोलो हाँ होगा कि नहीं होगा, होगा ना, अब चलो आप रिक्वायर्ड एरिया निकाल लो, इंटीग्रेशन 2 से 4, नूनूरे, y के जगह पे 3√x, y के जगह पे क्या लिखेगा, 3√x, और आपका हो गया ऐसा मिला ए, चलो रूट एक्स के इंटीग्रेशन बताओ तो क्या होगा, रूट एक्स के इंटीग्रेशन 2/3, हाँ सर, ओ हो हाँ ऐसे थोड़े होता, हाँ सर यही होगा, अरे अपना ना बोलो, रूट एक्स कितना 2/3 2/2, लिमिट बोलो कितना होगा, 2 से 4, लिमिट कितना होगा, 2 से 4, अब देखो बाबू रे 3, ये 2/3 कॉन्स्टेंट है ना, इसको बाहर ले लो, अब यहाँ पर x के जगह पे अपर लिमिट 4 पे पावर 3/2, x के जगह पे लोअर लिमिट ले लो, x के जगह पे क्या ले लो, लोअर लिमिट, और 2 पे पावर 3/2 हो जाएगा, 2 पे पावर 3/2, ये तो कट गया 2, अच्छा ये जो 4 है, इस 4 को आप 2 पे पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं, इस 4 के जगह पे 2 पे पावर 2 लिख सकते हैं, और इस पे पावर 3/2, नुनो ये जो है ना, इसको 2 पे पावर 3 और इस पे पावर 1/2 लिख दीजिए, 2 पे पावर क्या लिख दिए, 3 और इस पे पावर 1/2, ये 2 कैंसिल बराबर 2, 2 पे पावर 3 का मतलब कितना हो गया, 8, 2 पे पावर 3 का मतलब 8, और यहाँ देखो तो 2 पे पावर 3 का मतलब 8, और 1/2 पावर का मतलब 2, 1/2 पावर का मतलब, मार्बल सोता, 1/2 का मतलब कहता है 4 हो जाएगा, भाग होगा कि पावर में, नहीं जी, पावर है तो रूट में नहीं घुसेगा, फिर आप देखो इधर आओ, अब 2 एन नो बताओ तो 8 का वर्गमूल कितना होगा, 2√2, 8 का वर्गमूल कितना है, 2√2, देखो तो 2 कॉमन ले लो या ऐसे 2 से गुणा कर दो, 8 * 16 4√2, यानी कि यही आंसर, देखो तो 4√2 स्क्वायर इन, क्योंकि ये एरिया है ना तो इसका यूनिट लिखना जरूरी है, अरे पूछो करो आंसर आया कि नहीं आया, बस बात खत्म हो गई, एक ही तरीका है बनाने का, बहुत मेथड है, बस बनना चाहिए, देखो चलो यहाँ देखो एनो ए सब बंद करो, यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय एक्स स्क्वायर बराबर 4y, y बराबर 2, y बराबर 4 एंड द y एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, उसी प्रकार से है, सबसे पहले कर्व को लिखिए, पहले क्या लिख, मेरे साथ बोलिएगा, आपस में बातें करना है, मेरे साथ बोलना, चलो कर्व बोलो, सोल्यूशन बोलो, सोल्यूशन बोलो, गिवन, सब बोलो मेरे साथ, गिवन कर्व्स, चलो लिखवाओ तो क्या है कर्व, लिखाते चलो, बोलो बोलो, एक्स स्क्वायर बराबर 4y, एक्स स्क्वायर बराबर कितना है 4y, एक नंबर दे दो, y बराबर, फिर बताओ कितना है, y बराबर 2, y बराबर है 2, y बराबर 4, फिर है तुम्हारा y, ए बाबू y एक्सिस का मतलब क्या हो गया जी, y एक्सिस का मतलब x बराबर 0, y एक्सिस का मतलब क्या हो गया, x बराबर 0, इसका नाम दे दो 2
इसका नाम तीन, इसका चार, याद रखो ये वाई एक्सिस है, ये क्या है वाई एक्सिस। और भी कुछ लिखा है बोलो, हाँ क्या लिखा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्या लिखा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट, समझ गए क्या लिखा था? और लिखा था फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक। अब चलो अब आओ, अब इसको एन नो, जब लाइट बंद करेंगे देखो तो अब लगता नहीं चमकेगा, लाइट बंद करो तो एन नो। देखो यहाँ पे एक पे पावर दो है ना जी, मुंडू ऊपर करो हाँ, इधर हाथ को दोनों हाथ ऊपर रखो, दोनों हाथ ऊपर रखो, हाँ देखो एक पे पावर दो है ना, तो पैराबोला होगा, यस सर, ठीक। यहाँ पर लिखो पैराबोला, क्या लिखेगा? पैराबोला, ठीक। ये दोनों जो है कि वाई बराबर है ना, बताओ कि ये दोनों क्या चीज का समीकरण है, बोलो लाइन का, क्या चीज का समीकरण है? लाइन का। ये वाई एक्सिस तो है ही है, ठीक। अब चलो यहाँ पर देखो कि एक्स पे पावर दो है कि वाई पे पावर दो है, एक्स पे पावर दो है तो पैराबोला कम हो, या तो ऊपर खुलेगा या फिर नीचे खुलेगा। पैराबोला कम हो कहाँ खुलेगा? ऊपर, या तो ऊपर या फिर नीचे। अब देखो प्लस है कि माइनस है? प्लस है तो पैराबोला कम हो किधर खुलेगा? ऊपर की तरफ। किधर खुलेगा? ऊपर की तरफ। देखो इस तरह से बनेगा पैराबोला, इस तरह से। ये हो गया x, ये हो गया y, x dash, y dash, ये हो गया zero। चलो इसका समीकरण बताओ कितना है? x square बराबर कितना है? 4y, ठीक है। इसका नाम एक दे दो। अब सुनो y बराबर है ना, बोलो y बराबर, जोर से बोलो, बोलो y बराबर, बराबर x के समांतर, y बराबर x के समांतर। तो एक तो y बराबर दो है, एक y बराबर चार है, तो दो वाला नीचे होगा x के समांतर और चार वाला कहाँ होगा? ऊपर। ये हो गया y बराबर दो और ये हो गया y बराबर चार। और कौन सा एक्सिस कहता है? y एक्सिस ना, y एक्सिस का मतलब x बराबर जीरो। और क्या कहता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्या कहता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि देखो ना, देखो जी ध्यान से देखना बेटा, इसी का बोल रहा है एरिया निकालने के लिए, समझ गया? इस पोर्शन का क्या बोल रहा है? एरिया निकालने के लिए। अब बताओ कि स्ट्रिप किस पे बनेगा? तो देखो नो, यहाँ पे बताओ स्ट्रिप कैसे बनेगा? वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल? वाई एक्सिस पे बनेगा ना, यानी हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनेगा। पहले देखो एरिया किसका निकालना है? ये वाला पोर्शन का एरिया निकालना है, समझ गया? इस पोर्शन का एरिया निकालना, स्ट्रिप बताओ तो कैसे बनेगा? स्ट्रिप बनेगा ऐसे, ठीक है, वाई एक्सिस पे। तो ये तो तुम्हारा कितना हो जाएगा? डी वाई, और इधर तो लंबाई है x, ये बोलो तो लंबाई कितना हो जाएगा? x, x, ये लंबाई कितना हो जाएगा? x, लंबाई हो गया x। अब चलो बताओ कि रिक्वायर्ड एरिया कैसे निकलेगा? रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया बताओ नो, इंटीग्रेशन लंबाई गुना चौड़ाई होगा, नहीं लंबाई गुना क्या होगा जी? चौड़ाई। बताओ तो लंबाई कितना हो गया x, और चौड़ाई कितना हो गया? dy, यानी कि x dy, yes sir, x dy। यहाँ पर dy है ना, yes sir, बोलो हाँ, यहाँ पर क्या है? dy है, इसका लिमिट चलेगा y का, y का, इसका लिमिट चलेगा y का। बताओ तुम्हें y का लिमिट, यहाँ पर y कितना है? दो, और यहाँ पर y कितना है? चार। यानी कि y बराबर दो से लेकर y बराबर चार चलेगा। अच्छा एक बात बताओ मनु, तुम स्ट्रिप किस पे बनाया है?
नहीं बोलो पैराबोला पे, एक्सिस वाला नहीं लेते, पैराबोला पे बनाया है ना, तो पैराबोला का समीकरण क्या है? वन, यहाँ पर एक लिख देना, क्या लिख देना? एक, ठीक है। अब सुनो, अब एक से एक्स का मान निकालो, तो एक से किसका मान निकालेगा? एक्स का, तो एक्स बराबर टू रूट वाई हो जाएगा। एक्स बराबर क्या हो जाएगा? टू रूट वाई। एक्स बराबर क्या होगा नुनु? टू रूट वाई। अब चलो इधर आओ, तो रिक्वायर्ड एरिया बराबर, बाबू दो से चार, एक्स के जगह पे टू रूट वाई, और यहाँ पर लिख दो डी वाई। एक्स के जगह पे टू रूट वाई और लिख दो डी वाई। अब देखो बाबू, दो बाहर एन नो, चलो रूट वाई के इंटीग्रेशन बताओ कितना होगा? टू बाय थ्री वाई पे पावर थ्री बाय टू बाय थ्री, टू बाय थ्री और y पे पावर 3/2, लिमिट बोलो तो 2 से 4। अब देखो बाबू, 2/3 कांस्टेंट है बाहर, 2/3 कांस्टेंट बाहर हो गया ना। अब y के जगह पहले अपर लिमिट रखो 4 पे पावर 3/2, और फिर लोअर लिमिट रख दो 2, 2 पे पावर 3/2, तो 2 × 4/3, और 4 को लिख दो 2 पे पावर 2, इस पे पावर 3/2 माइनस 2 पे पावर लिख दो 3, और इस पे पावर लिख दो 1/2, इस पे पावर क्या लिख दिए? 1/2। अब देखो 2 पावर 2 पावर खत्म, 4/3, 2 पे पावर 3 बोलो तो कितना होगा? 8, 2 पे पावर 3 8। ए नुनु बताओ, ये हाफ पावर का मतलब क्या हो गया? अंडर रूट ना। तो देखो तो क्या हो गया, 4/3 8, और इसका मतलब कितना? 2 √2। आंसर देखो तो इसी तरह से दिया है कि इसको तोड़ा है। यस सर, तुम सकते हैं तोड़ा है, देखो तो आंसर यही स्क्वायर यूनिट हो गया रिक्वायर्ड एरिया बराबर 32। यस ना, इसे गुणा कर दिया है, बस गुणा कर दिया है। चलो कोई बात नहीं, आप लोग गुणा कर दो 3। तो रिक्वायर्ड एरिया बराबर कितना? 32/3। Yes, sir. हटाओ 4 × 8, 8√2/3, यही ना है? Yes, sir. स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट, समझ गए? स्क्वायर यूनिट। देर इज दिक्कत कि देर इज नो दिक्कत? देर इज नो दिक्कत। चलो फटाफट नोट करो इसको, नो देखो बाबू, ये ए रे डर देख, ये जो आपका है क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 है, समझ गए? क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, ये आपका एग्जांपल 2 के जैसा बनेगा, ये आपका रहा टास्क, समझ गए? ये दोनों ही भाई साहब किसके जैसा बनेगा? तो ये बनेगा एग्जांपल 2 के जैसा बनेगा, समझ गए? 2 में देखे, वहां पर ए और बी था, यहाँ पर ए के जगह क्या है? 4, बी के जगह है 3, नीचे में ए के जगह क्या है? 2, और बी के जगह है 3, समझ गए? तो इसको आप एग्जांपल किसके जैसा? 2 के जैसा आप इसको बना लीजिए। होप कि आपको कोई समस्या है, कोई परेशानी नहीं, ठीक है? चलिए, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। एगो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखा है ना, लिखते जाओ, हाँ तब समझ में आएगा, एक साथ पूरा पढ़ने पे नहीं आएगा समझ में। पहले क्या बोलता है? बोलो फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहले यहाँ पे लिखो फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक। अब बोलो तो क्या लिखा हुआ है? इनक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस, क्या लिखा हुआ है? एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का मतलब वाई बराबर जीरो, ये तुम्हारा हो गया एक्स एक्सिस, ठीक।
फिर क्या बोल रहा है, लाइन वाई बराबर, बल्कि एक्स बराबर रूट थ्री वाई, एक्स बराबर रूट थ्री वाई। बताओ कि ये क्या चीज का समीकरण है, बोलो, लाइन का है, लाइन का। और एक सर्किल वृत्त दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर फोर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर फोर। ये तुम्हारा क्या दिया हुआ है, सर्किल यानी कि वृत्त दिया हुआ है, ठीक है। अब सुनो, अब एक बार क्वेश्चन पूरा पढ़ो, अब समझ में आएगा। कहता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी कि प्रथम चतुर्थांश, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी कि पहला घर में लेना है, इनक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस यानी कि एक्स एक्सिस को शामिल करना है, लाइन एक्स बराबर रूट थ्री वाई, कौन सा लाइन है जी, एक्स बराबर रूट थ्री वाई, एंड सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर फोर, और एक वृत्त होना चाहिए, वो वृत्त तुम्हारा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर फोर, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये जो वृत्त है ना, पहले इस वृत्त को बनाने के लिए, इस सर्किल को बनाने के लिए याद कीजिए कि हम लोग पहले क्या कर देंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाएंगे। कैसे बनाएंगे इसके लिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और क्या बनाएंगे, वाई एक्सिस। चलो ये हो गया एक्स वाई, एक्स डैश वाई डैश जीरो। देखो कैसे बनेगा, ध्यान से देखा, ठीक है, इतना हो गया, ये सर्किल बन गया। बताओ तो सर्किल की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर टू स्क्वायर लिख दो, क्या लिख दो, टू स्क्वायर। अब बताओ कि दो इसकी त्रिज्या हो गई ना, क्या कि ए स्क्वायर रहता है तो त्रिज्या क्या होता है, ए स्क्वायर आता है तो रेडियस क्या हो जाता है, ए। यहाँ पर दो स्क्वायर है यानी कि चार है तो रेडियस हो गया दो। अब बताओ नुनू, इसका कोई कोऑर्डिनेट बता सकता है क्या होगा, बोलो कितना होगा, ए जीरो होता है ना, तो यानी कि टू जीरो हो जाएगा, ए जीरो होता है ना जी, बोलो बताए थे ना उस दिन, ए जीरो होता है तो टू जीरो हो गया। चलो इसका बताओ तो क्या होगा, जीरो ए यानी कि जीरो टू, जीरो ए का मतलब कितना हो गया, जीरो टू। जोर से बोलो, जीरो ए का मतलब जीरो, ले लो ए डैश, ये तो निकल जाएगा माइनस टू जीरो, और ये ले लो बी डैश जीरो माइनस टू, ये सर्किल हो गया। बोलो सर्किल का समीकरण तीन नंबर माने है ना, तीन ले लो, ठीक। और क्या कहता है, बोलो एक्स एक्सिस, क्या कहता है, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस मतलब ये वाला, देखो ये वाला, ये तुम्हारा है एक्स एक्सिस का मतलब वाई बराबर जीरो। और याद रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोल रहा है, दूसरे घर में नहीं जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे। अच्छा देखो, एक्स बराबर रूट थ्री वाई है ना, याद करो हम लोग एक बार पढ़े थे पहला क्लास में, हम बताए थे पहला, इसका पहला वीडियो देख लेना, इसका पहला वीडियो एरिया का, उसमें हम बताए थे इस प्रकार से, यदि y बराबर mx सिर्फ रहता है ना, यदि y बराबर mx रहता है तो ये जो है ना मूल बिंदु से लाइन जाता है, लाइन कहां से जाता है, मूल बिंदु से। जोर से बोलो, लाइन कहां से जाएगा, मूल बिंदु से। लाइन कहां से जाएगा, मूल बिंदु से। कहां से जाएगा, मूल बिंदु से। तो लाइन इधर से भेजो, देखो किधर से भेजोगे, इस तरह से लाइन भेजो, मूल बिंदु से क्या, बोलो हो, मूल बिंदु से गया। और इसका समीकरण बताओ तो कितना है, इसका समीकरण है y बराबर 1 बाय रूट 3 है, यही ना है जी। बताओ इसका समीकरण कितना है, इसको रूट 3 को नीचे भेज दो ना, तो y बराबर कितना हो गया, 1 बाय रूट 3 x। हाँ या नहीं, या ऐसे भी लिख सकता था x बराबर रूट 3 y, हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे x बराबर रूट थ्री, ठीक। अब देखो, अब यहाँ पे देखो नोनू, किसका एरिया निकालना है, देखो एक वो ये क्या हो गया, बोलो एक्स एक्सिस, ये तुम्हारा क्या हो गया, सर्किल, जोर से बोलो क्या हो गया, सर्किल, और ये एक लाइन हो गया तुम्हारा, ये क्या हो गया, लाइन,
ये जो दिख रहा है ना, देखो ये जो पोर्शन दिख रहा है इसी के एरिया निकालना है। देखो राइट, हम लोगों को फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है ना। क्या दिया हुआ यहाँ पर? फर्स्ट क्वाड्रेंट। हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट में नहीं जा सकते हैं, हम लोगों को सेकेंड क्वाड्रेंट में नहीं जाना, ठीक है? चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। एंड नो, जरा ध्यान से देखना इसको, इसको ध्यान से देखना, इसको ध्यान से देखो। पहले यहाँ पर देखो क्या है, ये जो एरिया है, एरे टोपी ऊपर करवाए, ये एरिया है एक बार किसके नीचे बना हुआ है, ब्लू लाइन के नीचे, और एक बार किसके नीचे, ग्रिड के नीचे, यानी कि दो भागों में एरिया बटेगा। एरिया क्षेत्रफल कितने भागों में बटेगा? दो भाग। बोलो कैसे? एक बार किसके नीचे है? लाइन के नीचे, और एक बार किसके नीचे है? सर्किल के नीचे। पहले इसको दो भागों में बांटो, कितने भागों में बांटोगे? दो भाग में। उसके लिए क्या करो, यहाँ पर एक लाइन खींच, यहाँ पे एक लाइन खींच दिया ना, बोलो अरे मेरे साथ अभी लिखना मत, ऐ सब चिल्ला के बोलो मेरे साथ, नहीं समझ नहीं आएगा ऐसे, पूरे अच्छे से बैठो, ऐसा नहीं, पूरा चिल्ला के बोलो। ये कितने भागों में बढ़ गया? दो भाग। कैसे? बोलो एक बार लाइन के नीचे, एक बार सर्किल के नीचे, कितने भागों में बटा? दो भाग। बोलो कैसे? एक बार किसके नीचे? लाइन के नीचे, और एक बार किसके नीचे? सर्किल के नीचे, ठीक है? अब देखो एक स्ट्रिप यहाँ पे बना, एक स्ट्रिप यहाँ पे बना, ठीक। ये स्ट्रिप किसके नीचे बना है? लाइन के नीचे। बोलो किसके नीचे बना है बाबू? लाइन के नीचे। किसके नीचे सुना? लाइन के नीचे। यहाँ पर बताओ नो, किसके नीचे बनायो? सर्किल के नीचे। किसके नीचे बनाए नो? सर्किल के नीचे। बाबू रे, एक्स एक्सिस पे है तो डी एक्स, एक्स एक्सिस पे है तो कितना? डी एक्स। बताओ नो, ऊंचाई कितना हो जाएगा? वाई। ऊंचाई कितना हो जाएगा? वाई। बाबू रे, ऊंचाई कितना होगा बोलो तो? वाई। वाई टू नहीं, वाई वाई लिखो ना, ठीक है? वाई वाई हो गया। अब देखो, अब जो है ना, सबसे पहले इसका कोऑर्डिनेट निकालो, इसका नाम दे दो ए। क्या नाम दे दो? ए। और ए का हम लोगों को कोऑर्डिनेट निकालना है। सर ए तो दिए, ए दिया, सी दे दीजिए सर। ए कहाँ दिया नो? अच्छा ए दे दिया, सी दे दो, तब डीओ दिया, इसका नाम पी दे दो ना, पी। यस सर। पी मतलब पकड़ो, ठीक है? अब सुनो ए बाबू, ये बताओ तो इसका कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, किसको किसको सॉल्व करना पड़ेगा? तो देखो सब भे को सॉल्व करेंगे तो निकलेगा। यहाँ ना देखो कैसे कैसे हो रहा है, ये दोनों बिंदु को किसको किसको काटने से मिला है? बोलो ये वाला लाइन, ये वाला लाइन का समीकरण दो नंबर है ना, बोलो ये वो सर्किल, और सर्किल का समीकरण कितना है? तीन नंबर। यानी कि दो और तीन को सॉल्व करना पड़ेगा। बोलो कैसे, ये कैसे मिला है? बोलो लाइन से और ब्रिज से, पढ़े से बैठो रे, पहले लाइन से और ब्रिज के कटान बिंदु से, किसके कटान बिंदु से? लाइन और ब्रिज के कटान बिंदु से। तो लाइन का समीकरण कितना है? बोलो दो। लाइन का समीकरण कितना है? दो। ब्रिज का समीकरण कितना है? तीन। ब्रिज का समीकरण कितना है? तीन। सर्किल का समीकरण है तीन। तो दो और तीन को सॉल्व करो, दो और तीन को सॉल्व करो बाबू। सुनो रे, यहाँ पर x बराबर रूट थ्री वाई स्क्वायर है ना, यहाँ पर x के जगह पर रख दीजिए तो रूट थ्री वाई, तो x स्क्वायर हो गया। बोलो और y स्क्वायर है, ये है y स्क्वायर बराबर कितना? दो दूनी चार। बाबू रूट थ्री के स्क्वायर बोलिए तो कितना होगा? लेकिन ये हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले रहे हैं ना, हम लोग किस क्वाड्रेंट में ले रहे हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए सिर्फ क्या लीजिएगा? प्लस, माइनस नहीं लेना। यहाँ पे लिख दीजिए, चूंकि P lies in first quadrant, P lies in first quadrant, क्योंकि first quadrant अब नुनु y के वैल्यू याद रख दो तो x का मान मिल जाएगा। Yes, two implies
तो x बराबर रूट थ्री, y के जगह x, एक बराबर रूट थ्री। कहने का मतलब है कि x कोमा y, बताओ तो तुम्हारा कितना पॉइंट मिल गया? 1.1। अरे पहले x ने लिखेगा तो पहले y का पॉइंट लिखेगा, पहले x का नहीं लिखेगा। तो x का कितना आया? रूट थ्री। और बोलो y का कितना आया? 1। तो कोऑर्डिनेट क्या मिल गया प्यारे बच्चों? रूट थ्री वन। कोऑर्डिनेट क्या मिल गया बाबू? तो रूट थ्री वन। क्या मिल गया नोनो कोऑर्डिनेट? रूट थ्री वन। देर इज दिक्कत, देर इज नो दिक्कत। अब देखो बाबू, अब ऐसा करो बेटा, ऐसा करो बेटा कि अब क्या करो कि अब ले लो रिक्वायर्ड एरिया बराबर, रिक्वायर्ड एरिया। नोनो देखो, ये आयत है ना, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि y dx, y dx। बाबू रे दो बार में है, दोनों हो जाएगा y dx, दोनों कितना हो जाएगा? y dx। एन नो देखो तो इसका लिमिट यहाँ पर x एक्सिस पे है, तो लिमिट किसका जाएगा? x का। अरे गधा कहीं का, बोलो हो या नहीं? किसका लिमिट लेगा? किसका लिमिट लेगा? देखो नुनू, यहाँ पर x पता और कितना है? जीरो। और यहाँ पर x कितना है? जीरो। जीरो रूट थ्री। यहाँ पर x कितना है? जीरो। और यहाँ पर x कितना है? रूट थ्री। यानी कि इसको लेगा तुम जीरो से रूट थ्री। एन नुनू अब y बताओ तो y किसका समीकरण है? बोलो मास्टर साहब, ये किसके नीचे बनल है? लाइन। बोलो लाइन के नीचे। लाइन जोर से बोलो, किसके नीचे बना है इसके? ए रे रोहित जोर से बोलो, ये किसके नीचे बना हुआ है? लाइन के नीचे। किसके नीचे? लाइन के नीचे। तो इसमें लाइन में लिखेगा तो लाइन का समीकरण कितना है? दो। लाइन का समीकरण कितना है? दो। यहाँ पर दो लिखो, ठीक। अब चलो बाबू, अब इसका लिमिट बताओ तो यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ पर x कितना है? रूट थ्री। और यहाँ पर x कितना है? दो। सब बोलो, यहाँ पर x का मान कितना है? रूट थ्री। और यहाँ पर x का मान कितना है? दो। यानी कि रूट थ्री से दो जाएगा। रूट थ्री से कहाँ जाएगा? दो। अच्छा ये बताओ तो स्ट्रिप किसके नीचे बना है? किसके नीचे जी? सर्किल के नीचे। सर्किल का समीकरण क्या है? तीन। सर्किल का समीकरण क्या है? यहाँ पे तीन। सर्किल का समीकरण क्या था? तीन। अब सुनो, दो से y का मान निकालो तो, अब दो से y का मान आप लोग निकाल लीजिए, तो y बराबर बाबू कितना? x बाय रूट थ्री। अब तीन से y का मान निकालिए तो, तीन से y का मान, तो y स्क्वायर बराबर कितना बाबू? फोर माइनस एक्स स्क्वायर। टू माइनस एक्स, यानी कि टू का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बोल रहे टू माइनस एक्स, टू माइनस एक्स होगा जी? होगा नहीं ना? होगा, क्योंकि अकेला के लिए रहता था ना, बीच में माइनस का चिन्ह है। गुना में रहता तो टू एक्स हो सकता था, माइनस में है तो नहीं होगा। यहाँ तक कर दिए। अब देखो बाबू, अब जो है रिक्वायर्ड एरिया बराबर, देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया बराबर, सुनो नुनू, जीरो से रूट थ्री, यहाँ पर वाई का मान कितना हो जाएगा? बोलो मेरे साथ, एक्स बाय रूट थ्री डी एक्स। यहाँ पर दो नंबर से हम लोग लिखे ना, वाई का मान है x बाय रूट थ्री एक्स, प्लस मेरे साथ बोलना लिखना मत, हम फट से आकर सोचने लगेंगे, रूट थ्री से वैल्यू कितना है? बोलो दो। अब वाई है ना, चलो बताओ वाई का मान कितना आया? अंडर रूट, अंडर रूट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और साथ में कितना हो गया? डी एक्स। साथ में क्या हो गया? डी एक्स। चलिए फटाफट लिखे और फिर हम मिटाकर बताते हैं। चलो ए नुनो, ए चलो इधर आओ, देखो तो अब बताओ तो रिक्वायर्ड एरिया कितना होगा? रिक्वायर्ड ए बाबू, देखो ना, देखो तो इसका 1 बाय रूट 3 तो पहले बाहर कर लो, कांस्टेंट है तो 1 बाय रूट 3 को पहले बाहर कर लो, एक्स डीएक्स बचेगा, और एक्स डीएक्स बचेगा तो एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बाय 2। एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2। x का इंटीग्रेशन हो गया x स्क्वायर बाय 2। लिमिट बोलो तो कितना है? 0 से रूट थ्री, प्लस
फिर जो है रुको 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 बाबू रे रुको, वो दोनों चोरी क्या है, एक वो दोनों चोरी क्या है, कौन बताएगा, बताओ तो फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चलो तुम बोलो, कोशिश नहीं पूरा से लिखा हुआ नहीं है, क्यों क्यों लिखा, पूरे इंटीग्रेशन खत्म कर दिए, log mod x plus root under x, log mod x होता है, बताओ तो, ये नहीं बताया इंटीग्रेशन, ये नहीं बताया, बोलो तो अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx रहे, अभी कल लो यूज किए थे, कल किए थे नहीं यूज, याद आ गया, बातों में सुन लग याद आ गया, रोज याद रखो, 1/2 x अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय टू साइन वर्ग एक्स बाय ए, बोलो होता है कि नहीं होता है, फिर जब बता लिया तब जी सर, चलो याद देखो जी, 1/2 एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टू स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर है प्लस ए स्क्वायर बाय टू, एक के जगह पे तुम्हारे दो है ना, यहाँ पर एक के जगह पे दो है ना, तो दो स्क्वायर बटे दो, फिर साइन इनवर्स एक्स बाय ए एक्स बाय टू, और लिमिट है रूट थ्री से टू, लिमिट कितना है, लिमिट है रूट थ्री से टू, समझ गए, लिमिट है रूट थ्री से टू, एक मिनट समझ याद करेगा, चलो ठीक है, चार मिनट लिख के अभी एंड नो, देखो बाबू क्या हो गया, यहाँ से रूट यहाँ से दो बाहर आ जाएगा ना, तो टू रूट थ्री हो गया, पहले अपर लिमिट रखो, तो अपर लिमिट रूट थ्री, मेरे साथ बोलो अपर लिमिट रूट थ्री है, रूट थ्री का स्क्वायर, फिर लोअर लिमिट जीरो है, जीरो का स्क्वायर, काम खत्म, एंड नो, यहाँ पर पहले अपर लिमिट में क्या रखना है, दो, अपर लिमिट में पहले रखो दो, दो एक बटे दो एक्स के जगह पे दो, दो स्क्वायर माइनस एक्स के जगह पे दो, प्लस देखो तो दो स्क्वायर बाय दो साइन वर्ग दो बटे दो, ये पहले अपर लिमिट रख दिए, बोलो अपर लिमिट में एक्स का जगह क्या रखा, बोलो दो रखे, क्या रखा, दो रखा, आप क्या रखेगा, लोअर लिमिट, लोअर लिमिट में एक्स का जगह क्या रखेगा, रूट थ्री, चलो यहाँ पर देखो तो माइनस दे दो, 1/2 रूट थ्री अंडर रूट टू स्क्वायर माइनस रूट थ्री के स्क्वायर, प्लस मेरे साथ बोलो 2 स्क्वायर बाय 2 साइन वर्स x के जगह पे रूट 3, x के जगह पे क्या रखेगा बाबू, रूट 3, x के जगह पे रूट 3, चले आइए अब जो है अब क्या करना है सो देखिए, देखिए तुमनो तो रिक्वायर्ड एरिया बराबर ये 1/2 रूट 3 बाबू रे रूट थ्री का स्क्वायर थ्री प्लस ये दो दो कैंसिल या ऐसे भी ये तो जीरो हो जाएगा ना, ये कंप्लीट क्या हो गया जीरो, इसको छोड़ दो, यहाँ पर दो दुनी चार बटे दो, बोलो मेरे साथ दो दुनी चार बटे दो किसके बराबर हो गया, दो के कहाँ जा रहा है, कौन कॉल किया है, दो दुनी चार बटे दो का मतलब कितना हो गया दो, ये दो दो कट गया तो साइन वर्स वन बच गया, क्या बच गया थी यहाँ पर साइन इनवर्स वन, यानी कि साइन वर्स वन, फिर देखो तो ये माइनस रूट थ्री बाय टू, एन लो देखो दो दूनी कितना हो गया चार, और रूट थ्री के स्क्वायर कितना जी थ्री, यानी कि ये चार से तीन गया एक बच गया, प्लस दो दूनी चार बटे दो तो दो बच गया, अच्छा बाबू बताओ तो कि साइन में किसका मान रूट थ्री बाय टू होता है, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री को क्या लिखते हैं पाई बाय 3, अब मोटा मोटी आंसर आ गया, ये माइनस ना होगा, ये दोनों माइनस ना हो जाएगा, ठीक देखो तो क्या हो गया, रिक्वायर्ड एरिया बराबर 3/2 रूट 3
प्लस टू ए बाबू साइन वर्स वन, बताओ साइन में किसका मान एक होता है? 90 डिग्री पाई बाय टू, पाई बाय टू माइनस रूट थ्री बाय टू, एक का वर्गमूल एक माइनस टू पाई बाय थ्री हो गया, ये दोनों खत्म है दोनों, ये रूट थ्री बारे में कट जाएगा ना, रूट थ्री बारे में कट जाएगा, बोलो हाँ या नहीं? तो रूट थ्री बाय टू प्लस पाई माइनस रूट थ्री बाय टू माइनस टू पाई बाय थ्री, ये दोनों तुम्हारा कैंसिल, तो रिक्वायर्ड एरिया बराबर बोलो तीन एकम कितना? तीन, तीन एकम कितना जी? तीन, तीन से दो गया एक, यानी कि पाई बाय थ्री आंसर है जी, देखो तो आंसर है नो पाई है, पाई बाय थ्री है, इतना स्क्वायर इतना स्क्वायर इन, ठीक, इसको फटाफट आप लोग नोट कीजिए। देखो बाबू हम लोगों को सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर सेवन, क्या कहता है देखो तो, कि फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर कट ऑफ बाय द लाइन एक्स बराबर ए बाय रूट थ्री, यानी कि छेदक रेखा एक्स बराबर ए बाय रूट थ्री द्वारा वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर के छोटे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो नुनू, सबसे पहले जो कर्व दिया हुआ है ना उस कर्व को लिखिए, तब फिर धीरे धीरे समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा समझ में। आप क्या लिखिएगा यहां पर? गिवेन कर्व्स आर, क्या क्या कर्व दिया हुआ है बाबू? तो देखिए एक सर्किल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ये आपका सर्किल है, समझ गए? ये आपका क्या है? सर्किल, यानी कि वृत्त, ठीक है। फिर देखिए तो एक लाइन है एक्स बराबर ए, ए क्या कर रहा है? क्या कर, चलो उसको, एक लाइन है x बराबर a बाय रूट थ्री, x बराबर a बाय रूट थ्री, ये दो नंबर समीकरण हो गया, और ये लिखा हुआ है ये लाइन है, यानी कि क्या है? रेखा है, समझ गए? इसके छोटे भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो ऐसा कीजिए कि आप जानते हैं कि इस तरह के वृत्त को कैसे बनाइएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर है, तो ऐसे वृत्त को कैसे बनाइएगा? तो ऐसे वृत्त को देखिए कैसे बनाइएगा, इस प्रकार से आप बना लीजिए, समझे? इस प्रकार से बना लीजिए, ध्यान से देखिएगा बाबू, ये आपका हो गया x, ये y, x डैश y डैश ये जीरो, I don't know, बताओ तो इस वृत्त का समीकरण कितना हो गया जी? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ठीक है। अच्छा बताओ तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? बोले जोर से बोलो, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? ए जीरो, और इसका कोऑर्डिनेट बोलो तो जीरो ए, इसका कोऑर्डिनेट बोलो तो माइनस ए जीरो, और इसका कोऑर्डिनेट बोलो तो जीरो माइनस बी, इसका कोऑर्डिनेट हो गया जीरो माइनस बी, ठीक है, वृत्त हो गया। आप देखो तो एक लाइन है x बराबर, एक लाइन क्या दिया हुआ है? x बराबर, और याद कीजिए x बराबर का मतलब क्या होता है? y के समांतर, x उसको रखो क्या कर रहा है? x बराबर मतलब y के समांतर, x बराबर मतलब y के समांतर, देखो x बराबर मतलब y के समांतर एक रेखा खींचती, बताओ इसका समीकरण कितना है? x बराबर a बाय रूट, ये एक नंबर है, ये दो नंबर, ठीक। अब देखो किसका एरिया बोल रहा है, क्या है रूट टू, बोलो ए बाय रूट टू, एक रूट थ्री है, देखो तो
रूट टू है, तो फिर रूट थ्री कैसे बन गया? रूट टू है दिया हुआ, ये क्या दिया हुआ है? रूट टू, रूट टू, ये क्या है? रूट टू, ये है रूट टू, ठीक है। अब देखो बाबू, ये दो भागों में वृत्त को बांटा है ना, कहता है कि छोटे भाग का क्षेत्रफल निकालना है। किसका निकालना है? छोटे भाग का। किसका एरिया निकालना है? छोटे भाग का। अब देखो तो छोटे वाला भाग इधर ना हो गया, छोटे वाला भाग जो है ये वाला भाग क्या हो गया? बोलो छोटा वाला भाग। ये वाला भाग क्या हो गया? छोटा वाला। और इसका ये निकालता है कि सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये नहीं बोल रहा है कि ये किसमें है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये एक बार भी नहीं बोला कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। ये पूरे का क्षेत्रफल निकालना है, उसके लिए क्या कीजिए कि आप एक स्ट्रिप बनाइए, वर्टिकल स्ट्रिप। कौन सा स्ट्रिप बनाए हम लोग? वर्टिकल स्ट्रिप। और एक भाग का एरिया निकाल कर इसको दो से आप गुना कर लीजिए, इस ऊपर वाले के एरिया निकाल कर आप दो से क्या कर लीजिए? गुना कर लीजिए। ये देखिए तो ये आपका किसके बराबर हो जाएगा? ये मोटाई आपका हो गया dx, और ये जो है ना लंबाई कितना हो गया? y। लंबाई कितना हो गया? y। यहाँ पर लिखोगे आप कि रिक्वायर्ड एरिया बराबर क्या हो जाएगा? स्ट्रिप है ना, तो लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि y dx क्या हो जाएगा? y dx। ए बाबू देखिए, और ऐसा के वो पोर्शन है जी, एक ऊपर एक नीचे, दो पोर्शन है ना, इसको दो से गुना करना पड़ेगा। दो से क्या करना पड़ेगा? गुना। और देखिए तो लिमिट ले लीजिए, लिमिट ले लीजिए, dx है तो किसका लिमिट चलेगा? x का। यहाँ पर x का वैल्यू कितना है बोलो बाबू? यहाँ पर x का वैल्यू कितना है? a बाय रूट टू, यानी कि a बाय रूट टू से लेकर, और यहाँ पर a का वैल्यू कितना है? यहाँ पर लिमिट कितना है? x का वैल्यू a है, तो a बाय रूट टू से लेकर a तक। और बताओ तो y किसके नीचे बनाए हम लोग? सर्किल के नीचे। y किसके नीचे बनाए प्यारे बच्चों? सर्किल यानी कि वृत्त के नीचे। तो आपका यहाँ पर वृत्त का समीकरण है a, तो यहाँ पर लिख दीजिए आप a, समझ गए? वृत्त का समीकरण एक है, इसीलिए आप क्या लिख दीजिए? आप लिख दीजिए a, ठीक है। अब चलिए आइए, तो अब पहले a को सॉल्व की दिया और इसे y का मान निकाल लीजिए, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर है, तो y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, y बराबर अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, समझ गए? अब आपका therefore required area बराबर twice of a by root 2 से लेकर आपका 2 हो गया लिमिट, y का वैल्यू कितना है? अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। y का वैल्यू क्या है? तो y का वैल्यू है अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब बाबू देखिए तो अब तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा ना, 1 बाय 2 x अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 और साइन इनवर्स x बाय a प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय a। लिमिट है a बाय रूट 2 से कहां तक बाबू? a बाय रूट 2 से कहां तक? 2 तक, ठीक है। दो नहीं ना था, ए था ना बाबू? ए था। यहाँ पर क्या था जी? ए। क्या था? ए। यहाँ पर लिख दो ए। चलिए कोई बात नहीं है, अपर अपर लिमिट रखिए तो x के जगह पे क्या रखिएगा? ए। अपर लिमिट में x के जगह ए, यानी कि 1 बाय 2 x के जगह ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन वर्स x के जगह पे a माइनस, फिर x के जगह पे a बाय रूट 2 ले लेना, x के जगह पे a बाय रूट 2, यानी कि 1 बाय 2 x के जगह पे a बाय रूट 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x के जगह पे a बाय रूट 2 का स्क्वायर प्लस
ए स्क्वायर बाय टू साइन वर्स एक्स के जगह पे ए बार रूट टू बाय ए हो गया, एक्स के जगह पे ए बार रूट टू बाय ए, ठीक है। यहाँ पे जो ए होगा यहाँ पे ए होगा, ठीक है। अब चलिए आइए अब इसको मिटा कर बताते हैं, फटाफट आप नोट कर लीजिए। देखिए आइए अब इसको सॉल्व कीजिए बाबू। देखो तनु ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर, यानी कि ये वाला तो चीज कैंसिल हो जाएगा ना। तो रिक्वायर्ड एरिया बराबर देखे तो अब तक क्या हो गया, रिक्वायर्ड एरिया दो तो बाहर ही है, ये वाला तो आपका कंप्लीट कैंसिल हो गया और ये आपका हो गया वन, यानी कि जीरो प्लस ए स्क्वायर बाय टू साइन वर्स वन, ठीक है बाबू। माइनस देखे तो नुनो माइनस ये ए गुना वन तो ए बाय टू रूट टू हो गया, यानी कि ए बाय टू रूट टू, और यहां पर देखे बाबू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और रूट टू का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, दो के बराबर। रूट टू का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, दो के बराबर, प्लस यहां ऊपर और नीचे ए कैंसिल, यानी कि प्लस ए स्क्वायर बाय टू और साइन वर्स वन बाय रूट टू, समझ गए बाबू क्या हो गया, ए स्क्वायर बाय टू। और यहां पर यदि वीडियो में नहीं दिख रहा है तो मैं आपको बता दूं कि साइन वर्स ए रूट टू बाय ए लिखा हुआ है, समझ गए, साइन वर्स ए रूट टू बाय ए लिखा हुआ। एक बार मैं आपको दिखा देता हूं, देख लीजिए क्या लिखा हुआ, ठीक है। चलिए ठीक है आप देख लिए, आप देखिए तो इसको सॉल्व कीजिए। तो रिक्वायर्ड एरिया बराबर टू, ये ए स्क्वायर बाय टू साइन वर्स वन, बताइए तो साइन किसका मान एक होता है, साइन किसका मान एक होता है, पाई बाय टू, तो ये आपका हो गया पाई बाय टू माइनस माइनस ए बाय टू रूट टू, दो एकम दो, समझे, दो एकम दो, दो से एक गया एक, यानी कि आपका हो गया ए स्क्वायर बाय टू, ए स्क्वायर बाय टू प्लस प्लस यहां पर हो गया ए स्क्वायर बाय टू और साइन वर्स वन बाय रूट टू, साइन वर्स वन बाय रूट टू, तो साइन वर्स वन बाय रूट टू किसका मान होता है जी, वन बाय रूट टू 45 डिग्री ना, यानी कि पाई बाय फोर, पाई बाय आपका हो गया फोर। अब तोड़ दीजिए तो ब्रैकेट को भी, तो टू इंटू ए स्क्वायर बाय टू इंटू पाई बाय टू माइनस टू इंटू फिर यहां पर ए बाय टू रूट टू, बाबू रे ए स्क्वायर का वर्गमूल कितना, ए, ए स्क्वायर का वर्गमूल ए, नीचे आपका हो गया रूट टू, फिर माइनस ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर बाय टू इंटू पाई बाय फोर, ये जो है ना इस दो से भी गुना कर दिए और बीच में माइनस है तो माइनस से भी गुना कर दिए, देखिए तो ये दोनों कट गया, ये दोनों कट गया, ये दोनों भी कट गया, यानी कि रिक्वायर्ड एरिया बराबर पाई ए स्क्वायर माइनस ए इंटू ए, ए स्क्वायर रूट टू इंटू रूट टू किसके बराबर हो गया, दो के बराबर, और माइनस यहां पर पाई ए स्क्वायर बाय फोर, यहां पे माइनस पाई ए स्क्वायर बाय फोर, यानी कि रिक्वायर्ड एरिया बराबर पाई ए स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर बाय फोर माइनस ए स्क्वायर बाय टू, यानी कि चार एकम चार, चार से एक गया तीन, थ्री पाई ए स्क्वायर बाय फोर। नो आंसर देखो क्या है, देखो तो कॉमन लिया है क्या, देखो तो क्या कॉमन ले लिया, ए स्क्वायर बाय टू, ए स्क्वायर बाय टू कॉमन हो गया, यहां पर हो गया थ्री पाई बाय टू माइनस वन है, इतना आंसर स्क्वायर, देखो तो कितना है, अरे बोलो ना क्या, ए स्क्वायर बाय टू ब्रैकेट पाई बाय टू माइनस पाई बाय टू माइनस
वन पाई बाय टू माइनस वन, पाई बाय टू माइनस वन है, पाई बाय टू माइनस वन कैसे है? पाई बाय टू माइनस वन कैसे है बोलो तो, जरा चेक करने दो हमको। यहाँ पर नो आपका दो एगो बचा हुआ है ना, इसलिए अंदर आ रहा था, दो आपका बचा हुआ है, नीचे दो है, तो अब आपका कितना हो जाएगा देखिए तो 4 एलसीएम हो गया दो, अब आपका सिर्फ पाई स्क्वायर बचेगा ना, यानी कि आपके यहाँ से 3 क्या हो जाएगा हट जाएगा। एक थोड़ा सा हम क्या छोड़ दिए थे, हम यहाँ पर जो नीचे वाला दो छोड़ दिए थे, इसलिए आंसर में आंसर आ रहा था, और यही आपका हो गया आंसर, समझ गए, यही आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है बच्चों, जरा देख लीजिएगा, यहाँ पर दो थोड़ा सा मिस हो गया था, दो लेकर मैं बनाया और आंसर आपका बिल्कुल है सही है। ठीक, चलिए इसको नोट कीजिए फटाफट। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, बिल्कुल ठीक है, क्या कहता है क्वेश्चन, द एरिया बिटवीन एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड एक्स इक्वल टू 4 इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स बाय द लाइन एक्स बराबर ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। एक्चुअल में इतना पढ़ने के बाद में हम लोग जो समझे वो ये है कि हम लोग कुछ नहीं समझ पाए, समझे, हम लोग अभी क्या किए कुछ नहीं समझ पाए। तो जो सबसे पहला तरीका है वो तरीका क्या है कि जितना भी कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है पहले आप उसको लिखिए, फिर बाद में इसको देखिएगा कि करना क्या है। तो सॉल्यूशन आपको मेरे साथ लिखते भी जाना है, सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले लिखिएगा गिवन कर्व्स आर, क्या लिखिएगा बाबू मेरे साथ चिल्ला कर बोलिएगा, गिवन कर्व्स आर, बताइए क्या क्या कर्व दिया हुआ है। एक दिया हुआ है x बराबर y स्क्वायर नंबर वन, एक क्या दिया हुआ है मेरे साथ जोर से बोलिए, बोले x बराबर 4, आवाज नहीं आ रहा जोर से बोलिए, बोले x बराबर 4, x बराबर क्या है जी 4, तो चिल्लाकर बोलेगा सब। और क्या है फिर देखो तो x बराबर a, क्या है चिल्लाकर बोलो, बोलो x बराबर a। अब आपको ये तय करना है कि कौन किसका इक्वेशन है, आपको क्या तय करना है कौन किसका इक्वेशन है। चलो बताओ x बराबर y स्क्वायर है किसका समीकरण हो सकता है, देखिए कैसे तय करना है, बिल्कुल सही बोला पैराबोला, दोनों तरफ में पावर एक जगह है कि दोनों जगह है, जोर से बोले एक जगह, ए बोलता है मुंह खोल बोलो, बोलो एक जगह है, एक जगह कितना पावर है बोलो दो, कितना पावर है दो, x और y में एक जगह पावर है और वो पावर कितना है बोलो दो, कितना है जी दो, यदि एक जगह दो पावर रहेगा, यदि एक ही जगह पावर रहेगा और वो दो पावर रहेगा तो बताता है पैराबोला, क्या बताता है जोर से बोलो क्या बताता है पैराबोला, यानी कि x बराबर y स्क्वायर पैराबोला। ठीक, एक क्लियर हो गया, ये भाई साहब क्या है तो पैराबोला है। ठीक है चलो, अब आपको चेक करना है कि पैराबोला में स्क्वायर किस पर है, स्क्वायर किस पर है जी y पे, जोर से बोले स्क्वायर किस पे है, स्क्वायर किस पे है, यदि स्क्वायर y पे रहेगा तो पैराबोला बनेगा आजू बाजू, बोलिए यदि y पे पावर दो, सब लोग चिल्ला बोलो जोर से बोलो, बोलो y पे पावर दो पैराबोला आजू या बाजू में बनेगा। एक तो क्लियर हो गया आजू या बाजू बनेगा। ठीक, अब देखो प्लस है कि माइनस है, प्लस है तो आजू में बनेगा, माइनस है तो बाजू में, चलिए एक चीज क्लियर हो गया। अब x बराबर 4 है, x बराबर ये क्या चीज का समीकरण है बोलो, लाइन का है, क्या चीज का समीकरण है लाइन का, कई बार बता चुके हैं कैसा लाइन बोलो मास्टर साहब, मास्टर साहब जोर से बोलो मास्टर साहब, x बराबर y के समांतर, x बराबर y के समांतर, ये x बराबर है तो किसके समांतर लाइन है y के समांतर है। चलो एक चीज यहाँ पर भी है, ये भी x बराबर है ना,
ये भी किसका समीकरण है? लाइन का। किसका समीकरण है? लाइन का। और ये भी जो है आपका वाई के समांतर होगा। वाई के क्या होगा जी? समांतर। ठीक है, चलो अब बाबू पैराबोला कैसे बनेगा आप ही बताइए। तो पैराबोला कैसे बनेगा? मुंह किधर खुलेगा? आजू में। मुंह किधर खुलेगा? आजू में। तो आप मुंह को खोल दीजिए आजू में। ध्यान से देखिएगा, इसमें मेन काम है फोटो बनाना। यदि आपसे फोटो बन गया तो समझिए कि एरिया आप निकाल लिए, क्योंकि आप इंटीग्रेशन तो पढ़ चुके हैं ना, इसलिए एरिया निकालने में आपको दिक्कत नहीं होगी। ये x, ये y मेरे साथ चिल्ला चिल्ला कर बोलते रहिएगा, x डैश y डैश। बाबू रे किस चीज का समीकरण है बोलिए तो? x बराबर y स्क्वायर समीकरण नंबर एक। ये पैराबोला का यहाँ पर x बराबर क्या लिखा हुआ है? 4। x बराबर क्या लिखा हुआ है? 4। x बराबर 4 मतलब y के समांतर रेखा। x बराबर 4 मतलब जोर से बोलिए, x बराबर 4 मतलब y के समांतर। ये जो भाई साहब है ना, x बराबर 4 यानी कि y के समांतर रेखा। जोर से बोले किसके समांतर रेखा है? y के समांतर, y एक्सिस के समांतर। अब क्वेश्चन पढ़िए, अब एक एक लाइन पढ़िएगा ना समझ में आएगा, एक के साथ पढ़िएगा तो नहीं आएगा समझ में। द एरिया बिटवीन x बराबर y स्क्वायर, तो x बराबर y स्क्वायर है वो पैराबोला खींचे, एंड x बराबर 4, x बराबर 4 एक लाइन खींच दिए। कहता है कि इस डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, ये दो भागों में बढ़ जाता है। ये जो एरिया है ना, ये एरिया कितने भागों में बढ़ता है? दो इक्वल भागों में। इसको कौन बांटता है? कौन बांटता है जी? लाइन x बराबर a। कौन बांटता है इसको? लाइन x बराबर a, यानी कि x बराबर a यहीं पर कहीं एक लाइन होगा, और इस लाइन के इक्वेशन कितना हो जाएगा बोलो? x बराबर a कितना होगा जी? x बराबर a। बाबू देखिए भैया, ध्यान से देखिएगा आप लोग, ये जो है ना, ये कंप्लीट आपका हो गया एरिया। ठीक है, अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, समझिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको स्ट्रिप बनाना है ना। आपको क्या बनाना है बाबू? जोर से बोलिएगा, स्ट्रिप। क्या बनाना है? स्ट्रिप। ये तो ओरिजिन हो जाएगा 0 0। ये भाई साहब मोटाई इसकी कितना होगा जी? dx। और ये भाई साहब कितना हो जाएगा? y। यहाँ पर भी एक स्ट्रिप बना लीजिए, एक स्ट्रिप आप बना लीजिए, बताइए तो ये कितना हो जाएगा? dx। और ये कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा y। ठीक, इस दोनों का एरिया आपका बराबर है, यानी कि यदि आप इसके एरिया को a1 बोलते हैं और इसके एरिया को आप क्या बोलते हैं? नहीं, पहले वाले एरिया को आप क्या बोलते हैं? a1। दूसरे वाले एरिया को आप क्या बोलते हैं? a2। इस केस में गिवन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दिया तो गिवन लिखना जरूरी है नहीं ना? a1 बराबर कितना जी? a2। चिल्ला के बोलिए, a1 बराबर कितना? a2। आप जानते हैं कि a1 कैसे निकालिएगा? इंटीग्रेशन। बाबू लंबाई कितना भी, स्ट्रिप का लंबाई कितना है? बोलो y। चौड़ाई कितना है? dx। यानी कि y dx, इधर भी वही है, इधर भी आपका लंबाई कितना है बाबू? सिला के बोलो, लंबाई कितना है? y। चौड़ाई कितना है? dx। हाँ, दोनों का लिमिट पे फर्क पड़ेगा, लिमिट पे फर्क पड़ेगा। चलो बताओ तो, यहाँ पर dx है तो लिमिट किसका चलेगा? x की y का। dx है तो लिमिट किसका चलेगा जी? जोर से बोलो, जोर से बोलो। मालूम नहीं है, मंत्र पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं तो किसको याद रहता है? किसी को याद है? तो जो पंडित जी बोल रहे हैं वही बोलना है, वैसे ही याद होता है। और जब नसिखवा पंडित जी आते हैं तो वो पंडित जी भी किताब पढ़ के कभी याद नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं? पंडित जी के बगल में बैठ जाते। देखिएगा, सीनियर पंडित जी के साथ साथ कई बार जूनियर पंडित जी आते हैं, जिनको पहले से मालूम नहीं रहता वो क्या चीज करने के लिए आते हैं,
ट्रेनिंग लेने आते हैं कि जो बोलेंगे वो भी बोलेंगे, साल दो साल वाले याद हो जाएगा। ऐसे आपको भी करना है, आता है नहीं आता है वो सेकेंडरी मैटर है, प्राइमरी क्या है बोलना, प्राइमरी क्या है बोलना, सब समझ में आ जाएगा। बोलिए dx है तो किसका लिमिट चलेगा, x का लिमिट चलेगा, किसका चलेगा n नु, यहाँ पे ऑरिजिन है बाबू, ए बेटा ऑरिजिन है, x बराबर कितना जी, जोर से बोलो x बराबर कितना, x बराबर कितना, जोर से बोलो x बराबर n नु, यहाँ पर x बराबर कितना है, देखो तो x बराबर कितना है, x बराबर है a, चलो वेरी गुड। अब देखो अब इसके लिए ले रहे हैं हम लोग, अब इसके लिए बताओ तो यहाँ से शुरू हो रहा है ना, यहाँ पे बताओ x बराबर कितना है, x बराबर क्या है a, और यहाँ पे बताओ x बराबर क्या है, सब जोर से बोलो, जोर से बोलो x बराबर क्या है, ठीक है n नो। अच्छा y तो आप लिए है ना, ये y स्ट्रिप किसके नीचे बनाए है जरा बताइएगा, तो स्ट्रिप किसके नीचे थी, पैराबोला के नीचे, स्ट्रिप किसके नीचे बना है, जोर से बोले किसके नीचे, और जोर से किसके नीचे थी, पैराबोला, तो पैराबोला का समीकरण क्या है 1, पैराबोला का समीकरण क्या है 1 लिख दीजिए ताकि आपका क्लियर हो जाएगा कि आपको कौन सा समीकरण उठाना, क्लियर है। चलिए आइए अब एक को सॉल्व कीजिए, एक को सॉल्व कीजिए, बताइए तो y स्क्वायर बराबर x है कि नहीं है, बोलो x है कि नहीं है, तो यहाँ से y का मान आप क्या निकालिएगा, जोर से बोले y का मान क्या निकालिएगा, रूट x, y का मान कितना जी, रूट x, y का मान रूट a, बोलता है क्या, जोर से बोलो y का मान कितना निकालेगा, बोलो रूट x। अब लिखिएगा इंप्लाई इंटीग्रेशन 0 टू a, y के जगह क्या लिखना है, रूट x, इंटीग्रेशन a टू 4, y के जगह क्या लिखना है, रूट x, y के जगह रूट x, चलो बोलो अब फटाफट बताइए कि रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तेजी से रूट एक्स का इंटीग्रेशन, ए जोर से बोलो कितना दी, रूट एक्स का इंटीग्रेशन बोलो, बोलो 2/3 एक्स पे पावर 3/2, 2/3 एक्स पे पावर 3/2, ए बेटा लिमिट बोलिए तो कितना है, 0 से 0 टू, सेम यहां पर भी 2/3 एक्स पे पावर 3/2, लिमिट कितना है बाबू a टू 4, लिमिट कितना है जी, a टू 4, चलो अब कांस्टेंट है बाहर, कांस्टेंट में क्या है 2/3 है बाहर, है नुनु, चलो x के जगह पर लिमिट रखो तो a पे पावर कितना हो जाएगा, बोलो 3/2, a पे पावर कितना 3/2, फिर यहाँ पर x के जगह लोअर लिमिट रखो, x बराबर क्या रखना है 0, तो यानी कि 0 पे पावर 3/2, बाबू रे यहाँ पर भी 2/3 कांस्टेंट है बाहर, 2/3 कांस्टेंट है बाहर, ए बेटा x के जगह पहले अपर लिमिट कितना है, अपर लिमिट बोलो 4, जोर से बोलो कितना है 4, तो 4 पे पावर 3/2 माइनस देकर लोअर लिमिट a पे पावर 3/2, कुछ कटेगा ना, 2/3 आपका कैंसिल, ए बाबू a पे पावर 3/2 ये तो 0 खत्म हो गया, ये 4 पे पावर आप ऐसा लिख सकते हैं क्या बताइए, तो 4 को 2 पे पावर 2 लिख सकते हैं, बोलो इस पे पावर 3/2, इस पे पावर 3/2 माइनस a पे पावर 3/2 हो गया, चलिए वेरी गुड। एल्टा ये 2 कैंसिल, चलिए यहां पर लिखे तो स्पष्ट दिखेगा, तो implies a पे पावर 3/2, है नो, इधर इधर आजू में किस में है जी, बोलो माइनस में, इधर बाजू में आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, बाजू में आएगा तो क्या हो जाएगा, जोर से बोलो बाजू में आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस a पे पावर 3/2, है नो, इधर 2 पे पावर 3 बताओ तो कितना होगा, 2 पे पावर 3 बोलो, 2 × 4 × 8 कितना हो जाएगा नो, 8, ये दोनों जुट जाएगा तो 2a पे पावर 3/2 बराबर 8, कितना बार में कटेगा, 4 बार, यानी कि a पे पावर 3/2 बराबर 4 क्या करेगा बताओ तो, क्या करेगा जी, कैसे a का मान निकलेगा सर, a³ √√√ 1/2 इस तरफ कर देंगे और 3 इसको a पे ले जाएंगे, नहीं नहीं लिखवा तेज है,
जो है ना लड़का कोई गड़बड़ नहीं बताया। देखो क्या तरीका है, कैसे उसको कितना पावर दोनों तरफ करेंगे वो डिपेंड करता है बटे वाला पावर क्या है। बटे वाला पावर कितना है? दो। यहाँ पे बटे में दो पावर है ना, वर्क कर दो दोनों, ठीक है, वर्क कर दो, यानी कि वर्ग करने पर, वर्ग करने ए पे पावर 3/2, इस पे पावर 2 और 4 पे पावर 2, बिल्कुल दिख रहा है यहाँ तक, कोई समस्या नहीं है। ए बेटा ये दो दो खत्म, तो ए क्यूब हो गया ना बाबू, और उधर 4 पे पावर 2, चौके 16, चौके 16। अच्छा नो, अब बताइए तो 16 को आप क्या लिख सकते हैं? ए क्यूब बराबर, और ये 16 को हम लोगों को पावर में ए का पावर 3 देना है ना, ऐसा नहीं लिख सकते हैं क्या? देखिएगा तो 16 पे पावर 1/3 ऐसा लिख सकते हैं, 16 पे पावर 1/3। तो अब देखिए तो ए बराबर आपका क्या मिल गया, इधर थोड़ा मिटा के बता देते हैं, ए बराबर 16 को 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, आंसर देखो तो कितना है, 16 पे पावर 1/3 है, 4 पे पावर 2/3 है, तो वही कर दो तब 4 पे पावर 2/3 कर दो। देखो कैसे करोगे, ये 4 पे पावर 2 हो गया ना, बोलो हो 4 पे पावर 2 हुआ ना जी, तो 4 पे पावर 2 हुआ 16, अब पावर क्या हो जाता है, गुना हो जाता है, पावर क्या हो जाता है, गुना। तो ए बराबर 4 पे पावर 2/3 और यही आपका हो गया, नहीं बोलो पलटे ये लिखवा का भी कहना सही है, इसका कहना सही है, मास्टर साहब आप एन लाए तो एन ओने भेजिएगा तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट भी हो जाएगा, नहीं ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, चलो तुम्हारा इच्छा है ना सचिन, तुम यही कर लो बाबू, ए बराबर 4 पे पावर 2/3 तुम यही कर लो, यही आंसर हो गया, देर इज नो दिक्कत, फटाफट नोट कीजिए। सर हम ए पे पावर क्यूब इनटू 1/2 करते हैं तो 1/2 रूट अंदर हो जाएगा, रूट अंदर ए क्यूब कितने हैं, रूट अंदर ए क्यूब, रूट अंदर ए क्यूब हो जाता है, फिर रूट को उधर भेजते हैं तो ए क्यूब बराबर 2 होता है, फिर क्या करें, एक क्यू बराबर क्या हो जाएगा, एक क्यू बराबर 2 हो जाएगा, तो फिर स्क्वायर कर दो, रूट हटाने के लिए स्क्वायर कर दो, नहीं चलिए क्वेश्चन पढ़िए, तुम्हें क्या है क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y=x² and y = |x। सबसे पहला काम देखिए आपको क्या करना है कि आपको जितना भी कर्व दिया हुआ है ना उस कर्व को लिख लीजिए, नहीं तो पढ़ने से समझे में नहीं आता है, पहले आप कर्व को लिखिए, कर्व को लिखिए, क्या लिखिएगा नुनु, बोलिएगा गिवेन कर्व्स आर y=x² और y = |x, y = |x। एक बात बताइए कि मॉडुलस फंक्शन के लिए आपका क्या विचार है, मॉडुलस फंक्शन का क्या पॉजिटिव है? नहीं, मॉडुलस फंक्शन को जो है ना आपको रिडिफाइन करना पड़ता है, रिडिफाइन करने के लिए क्या है कि इसको आप ऐसे कर सकते हैं y = x if x is greater than equal to 0 और minus x if x is less than 0, समझ गए, यानी कि 0 से जब x छोटा है तो बेस बात ही नेगेटिव होगा और 0 से बड़ा अथवा बराबर है तो x क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है, इस तरह से आपको निकालना बाबू, देखिए यानी कि आपको जो है ना आपको क्या मिला, इसको एक नंबर समीकरण बोल लीजिए, ऑब्वियस बात है ये पैराबोला लिखा हुआ है ही, ये पैराबोला क्या क्या है लिखा है, नहीं भी लिखा रहता था तो हम लोग जानते हैं कि पावर कितना जगह है, एक जगह है ना, पैराबोला ही होगा,
यानी कि ये हो गया पैराबोला, पैराबोला, और ये सब आपका दो नंबर मान लीजिए, और ये किस चीज का समीकरण है जी, लाइन का है ना, y बराबर x या y बराबर माइनस x, किस चीज का समीकरण है, लाइन का, किस चीज का है, लाइन का है। अब देखिए तो इसको सॉल्व कीजिए बाबू, पैराबोला बनाइए। अच्छा नूनू, पावर किस पे है, एक्स पे है ना, तो एक्स पे पावर है तो पैराबोला का मुख किधर खुलेगा, ऊपर या नीचे, पैराबोला का मुख किधर खुलेगा, ऊपर या नीचे। अब देखो प्लस है कि माइनस है, प्लस है तो पैराबोला का मुख किधर खुलेगा, ऊपर की तरफ। एक्स स्क्वायर आता है तो ऊपर नीचे खुलता है मुंह, और यदि प्लस है तो ऊपर खुलेगा, तो इसको ऊपर मुंह खुलेगा, मुंह क्या खुलेगा, ऊपर। ध्यान से देखिए, x y x dash y dash जीरो। एक चीज, अब चूंकि धीरे 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 आप एक्सपर्ट हो रहे हैं, हालांकि अभी तो नहीं, लेकिन आने वाले समय में एक आपको समस्या हो सकती है। एवटी यहाँ पर x का मान जीरो रखेगा तो y का मान कितना होगा, बोलो तो, यदि x का जगह जीरो रखो तो y का मान कितना, यानी कि ये पैराबोला मूल बिंदु से जाएगा, ओरिजिन से जाएगा, क्योंकि आने वाले समय में ऐसा भी पैराबोला बनाएंगे जो कि ओरिजिन से नहीं जाएगा, तो उस समय हम आपको जो है ना ये वाला पॉइंट बताएंगे। हालांकि फिर से एक बार बता देते हैं यहाँ पर कि x जीरो रखने से y के वैल्यू कितना हो जाता है, जीरो, यानी कि मूल बिंदु से जाएगा। चलिए, ये पैराबोला का मुंह ऊपर की तरफ खुलेगा, आप हमको बता दो। चलिए एक बात बताओ तो, इसका समीकरण क्या होगा, y बराबर x स्क्वायर। चलो पैराबोला हो गया, ये समीकरण नंबर एक है, है नूनू। अब देखो तो यहाँ पर y बराबर x और y बराबर माइनस x एक लाइन है, नहीं y बराबर x और y बराबर माइनस x, क्योंकि y x के बराबर है ना, दोनों ही केसेस में y x के बराबर है, पहला भी केस में दूसरा भी केस में। अंतर ये है कि दूसरे केस में माइनस है और पहले केस में प्लस है, ठीक। जब y और x बराबर है, ए बेटा सुनो, हम लोग पढ़े थे, बताओ क्या पढ़े थे, कि जब y बराबर mx रहे, पहला दिन हम बताए थे, समझ गए, जब y बराबर mx रहती है एक लाइन होता है, क्या होता है जी, जोर से बोलो क्या होता है, सही आवाज नहीं आ रहा, जोर से बोलो, y बराबर mx क्या होता है, लाइन, क्या होता है, लाइन, और ये मूल बिंदु से होकर जाता है, कहां से जाता है, जोर से बोलो कहां से जाता है, मूल बिंदु से। और जब m का मान 1 हो जाए, यानी कि y बराबर x हो जाए, तो पूरा बीचों बीच जाता है। कैसे बीचों बीच जाएगा, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, एक ऐसे जाएगा, ये प्लस वाला हो गया, और एक ऐसे जाएगा, ये हो गया माइनस वाला, ये कौन सा लाइन हो गया, बोलो y बराबर x, बताओ ये कौन सा लाइन हो गया, y बराबर माइनस, y बराबर कितना हो गया, माइनस है, ठीक। अब देखो तो इसी का क्षेत्रफल निकालना है ना, देखो तो क्या करना है, देखो बाबू बेटा रे, इसी का क्षेत्रफल निकालना, समझे, ये सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक मतलब क्या होता है, बोले एक जैसा, सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, एक जैसा, यानी कि किसी एक का एरिया निकाल कर उसको दो से गुना कर देंगे, एक का एरिया निकाल कर दो से क्या करना है, गुना, एक का क्षेत्रफल निकाल कर दो से क्या कर लीजिएगा, गुना, ठीक है। तो आपको बात है कि स्ट्रिप बनाना कैसे पड़ेगा, स्ट्रिप बनाइए बेटा, इसके नीचे बना लो स्ट्रिप, लाइन के नीचे बना लो, बोलो हाँ बनाएंगे सर, इसकी मोटाई कितना, रूट डी एक्स, और ई जो है ना ऊंचाई क्या हो जाएगा, बोलो ऊंचाई क्या हो जाएगा, बोलता नहीं है, बोलो वाई, ऊंचाई क्या हो जाएगा, वाई, ऊंचाई क्या हो जाएगा, वाई, देयर इज दिक्कत कि देयर इज नो दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। लेकिन एक समस्या ये हो जाएगा, ध्यान से देखो समस्या कहाँ पे खड़ा होगा,
मेरे साथ एक बात बोलो मास्टर साहब, ए सब ए इधर देखो, सब मेरे साथ मंत्र बोलो, बोलो मास्टर साहब आप यहाँ पे जो स्ट्रिप बनाए हैं इसका कुछ भाग रंगीन क्षेत्रफल में है, मास्टर साहब यहाँ पे कुछ भाग रंगीन क्षेत्रफल से बाहर, हमको तो ई वाला रंगीन जरा क्षेत्रफल निकलना है जी, बोलो ई तो मेरा नीचे आ गया, गड़बड़ हो गया, बोलो नीचे वाला क्या हो गया जी, बोलो मास्टर साहब गड़बड़ हो गया, बोले मास्टर साहब ज्यादा ले लिए, ज्यादा ले लिए तो उसको घटाएंगे ना, ज्यादा ले लिए तो घटाएंगे ना, यानी कि हमको एक स्ट्रिप बनाना पड़ेगा किसके नीचे, जो ज्यादा ले लिया ना उसके नीचे, और उसको घटाना पड़ेगा, ये भी डी एक्स और ये कितना हो गया वाई, dx और कितना हो गया ननो y, ठीक ध्यान से देखो, अब क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट आने लगा, अब देखो रिक्वायर्ड एरिया कैसे लिखना है, रिक्वायर्ड एरिया के लिए आपको ये वाला पॉइंट चाहिए कि नहीं चाहिए, बोलो ये वाला पॉइंट चाहिए ना, ये पॉइंट चाहिए तो कैसे निकालोगे, देखो इस पॉइंट के लिए कौन कौन सा लाइन कौन कौन सा कर्व काट रहा है, बोलो कौन सा कर्व काटा एक नंबर और कौन सा कर्व काटा दो नंबर, ये ना काटा जी एक नंबर दो नंबर काटा तब ना ये पॉइंट मिला, बोलो हाँ एक और दो को सॉल्व करो, एक और दो को क्या करोगे सॉल्व, तो वन एंड टू इंप्लाइज, क्योंकि हमको पॉइंट निकालना जरूरी है एवरी, चलो वाई के जगह पे एक्स रख दो तो एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, एक्स बराबर क्या हो गया एक्स स्क्वायर, अब क्या करोगे बोलोगे सर काट देंगे यहाँ पर ऐसे काटोगे ना तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, अरे मेरे साथ चिल्ला के बोलो नहीं तो सुनने लगेंगे, बोलो x x काटे ना, बोलो हाँ x बराबर क्या मिल गया वन, x बराबर क्या मिल गया वन, लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, मेरे साथ मंत्र पढ़ो हम जल्दी से मंत्र पढ़ो, बोलो मास्टर साहब काटने से मान हटता है, बोलो जोर से मास्टर साहब काटने से मान हटता है, इसलिए यहाँ पर काटेंगे नहीं मास्टर साहब कॉमन लेगा, क्या करेगा कॉमन लेगा, सुनो यहाँ पर देखो x बराबर x स्क्वायर हो गया, x उधर भेज दो तो x स्क्वायर माइनस x बराबर कितना हो गया जीरो, यहाँ से x कॉमन ले लो x कॉमन तो x माइनस वन बराबर जीरो, यानी कि x बराबर जीरो और x बराबर क्या हो गया वन, दो मान मिला ना जी, बोलो हाँ एक एक्स का मान कितना आया जोर से बोलो जीरो, एक एक्स का मान कितना आया अब चिल्ला के बोलो एक्स का मान कितना आया जीरो, और एक जगह एक्स का मान कितना आया एक, एक जगह जीरो और एक जगह एक, एक सुनो यहाँ पे अब वाई में रख दो तो चलो वाई नहीं बल्कि दो में रख दो, टू इम्प्लाइज वाई और एक्स बराबर है ना, वाई बराबर कितना हो जाएगा जीरो और यहाँ से वाई बराबर कितना वन, एक ये वाला कोऑर्डिनेट मिल गया और एक ये वाला मिल गया, दो को कोऑर्डिनेट मिला कौन कौन सा, बोलो मास्टर साहब जीरो जीरो जो कि पहले लिखा है ना, फिर एगो क्या मिला वन वन, यानी कि ये वाला कोऑर्डिनेट कितना है जी, बोलो वन वन, ये वाला कोऑर्डिनेट कितना है वन वन, चलो क्लियर सर, प्लस में ना सर कहां पे दोनों माइनस में लिया यहां पे हैं, अरे दोनों बराबर के तो एन लेके रहा है, के ने लेके रहा है एम है बाबू, सुना हम क्या बोले कि एगो निकाल कर दो से गुना कर देंगे, हाँ या नहीं, हम इधर फोकस कर रहे हैं क्या, क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमको इसमें क्या करना है दो से गुना कर देना है ना, हम उधर फोकस ही नहीं कर रहे हैं, अब देखिए क्या लिखिएगा रिक्वायर्ड एरिया बराबर, बाबू बेटा बताओ जी ये इसका ये जो आया था इसके चौड़ाई बोलो तो कितना है लंबाई कितना है y, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि y dx हो गया, y dx क्या हो गया बेटी बोलो y dx, ठीक अब इधर सुनो ये वाला घटाओगे ना ये ज्यादा आ गया था ना जी, इधर घटा लो इस बार जोड़ना नहीं पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा, माइनस कर दो ये भी y dx हो गया, ये भी क्या हो गया y dx, अब चलो मेरे साथ तुम आओ लिमिट देखो
डीएक्स करते किसका लिमिट चलेगा? जोर से बोलो किसका लिमिट जी? तुम तो नहीं पढ़ा था, कैसे बोला एक्स का लिमिट चलेगा? यही पंडित जी जो बोलवाते हैं ना, दो बार तीन बार के बाद याद हो जाता है, इसीलिए हम बोले हैं बोलने के लिए। चलो यहाँ पर एक्स का वैल्यू कितना है? जोर से बोलो कितना है? अरे नुनू यहाँ पर एक्स का वैल्यू कितना है? जोर से बोलो कितना है? वन। अस वन, ठीक है वन। ए बेटा चलो यहाँ बोलो तो जी, दूसरा का भी तो वही ना है, यहाँ पर एक्स का वैल्यू जीरो और यहाँ पर वन, जीरो से वन। अब बोलो क्या छोड़ दिया हूँ? अच्छा चलो दो से गुना करना है, चलो हम दो से गुना भी करते हैं। चलो बहुत बहुत मुबारक। और कुछ छोड़े बोलो तो क्या छोड़े हैं? बोलो मास्टर साहब कौन सा कर्म किसका है आप बताइए, नहीं किए नहीं जी। आप देखो बोलो यहाँ पर स्क्रिप्ट किसके नीचे बनाया है, चिल्ला कर बोलो किसके नीचे, और जोर से बोलो किसके नीचे? लाइन के नीचे। यहाँ पे स्क्रिप्ट किसके नीचे बनाया? लाइन के नीचे। लाइन का समीकरण कितना है? दो। यहाँ पर दो लिखो क्योंकि लाइन के नीचे बनाए थे। यहाँ बताओ किसके नीचे स्ट्रिप है? नहीं आवाज आ रही, चिल्ला के बोलो किसके नीचे, किसके नीचे है जी? बोले जी किसके नीचे? पैराबोला। पैराबोला का समीकरण बोलो कितना है? बोलो पैराबोला का समीकरण क्या है, और जोर से बोलो क्या है जी? देखो तो अब निकल जाएगा, रिक्वायर्ड है बेटा। रहे पहले इसको एक बार ब्रैकेट से घेरेंगे ना, या छोड़िए मत घेरिए ब्रैकेट से। जीरो टू वन। एबीटी y का मान यहाँ से कितना को बोलो तो x, y का मान x dx माइनस, यहाँ बोलो तो x से y का मान कितना? x स्क्वायर, दो से गुना, जीरो से वन, x स्क्वायर dx, ठीक। चलो रिक्वायर्ड एरिया बराबर टू, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय टू, लिमिट हो गया जीरो से वन, और यहाँ बोलो तुम्हें कितना होगा जी? एक्स क्यूब बाय थ्री, जीरो से वन। चलो आ जाए बेटा, टू नहीं पहले एक रखेंगे ना हम लोग, वन स्क्वायर बाय टू माइनस जीरो स्क्वायर बाय टू, लिमिट रख रहे हैं ना, ये तो सबको आता ही है, देर इज नो दिक्कत। यहाँ पर एक्स के जगह एक रखो, एक्स क्यूब बाय थ्री माइनस जीरो क्यूब बाय थ्री। अब देखो नोनू कितना आ गया, दो गुनी एक बटे दो, क्योंकि इसका मान तो खत्म हो गया, माइनस दो गुनी एक बटे तीन, क्योंकि ये तो जीरो है ना, खत्म। तो जो है तीन दुना छह एलसीएम, ये तो तुम्हारा कितना हो गया, तीन दुना छह और दो दुनी चार, दो दुनी चार, यानी कि देखो नोनू कितना हो गया, रिक्वायर्ड एरिया बराबर दो बटे छ। देखो आंसर है क्या, आंसर देख के बताओ तो है ना जी? बोलो बेटा हाँ या नहीं? यस सर। है ना आंसर? ठीक है चलो फटाफट नोट करो तो इसको। अरे अपना तरीका है बाबू, जैसे बनाओ, नहीं समझा? अपना तरीका है, जैसे इच्छा वैसे बना लो। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x स्क्वायर इक्वल टू 4y एंड द लाइन x इक्वल टू 4y माइनस 4y माइनस 2, ठीक है? इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। लिख लिया जी इधर, जो नहीं लिख पाया नो वो वीडियो देख के लिखेगा, या हाँ वीडियो देख के लिख लेना बाबू।
ये आज नहीं, ये कब का है, कब चलेगा वीडियो? कल चलेगा, कल शाम को 7 बजे। जो नहीं लिख पाया है वीडियो देखिए। हो गया ना? चलो ठीक है, मेरे साथ लिखते भी जाना है, ऐसा नहीं कि एकदम से आप जो है शांत बन जाए। चलिए उतना छोड़ देते हैं, यदि कोई नहीं लिख पाया है। ए बेटा चलो इसको पढ़ो तो, क्या लिखा हुआ है पढ़ो तो मांगो। पढ़ो बेटा क्या लिखा हुआ है। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय कर्व एक्स स्क्वायर बराबर 4y एंड द लाइन एक्स बराबर 4y-2। पहला काम क्या है बोलो तो? कर्व लिखना। पहला काम है कर्व लिखना। गिवन कर्व्स आर, बताओ बेटा क्या है जी, बोलो x स्क्वायर बराबर 4y और x बराबर 4y-2। ये एक नंबर मान लो, ये दो नंबर है बेटा। चलो पहला बोलो तो क्या है जी, पहला बोलो तो एक ही जगह पावर है ना, तो पैराबोला होगा। एक जगह पावर है तो क्या होगा? पैराबोला। एक जगह पावर है तो पैराबोला, पैराबोला है बेटा। नीचे देखो तो x और y किसी में पावर है क्या? नहीं ना, x और y किसी में पावर है नहीं। तो ये लीनियर इक्वेशन हुआ ना, बोलो लीनियर इक्वेशन हमेशा किसका होता है? लाइन। x और y में है ना, x y में है तो लाइन का होगा, x y में है तो किसका होगा? लाइन का। यानी कि ये भाई साहब लाइन। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बहुत बहुत मुबारक, दिक्कत नहीं है। तो अब देखो बेटा, अब हम लोगों को फोटो बनाना है। फोटो बन गया इसका मतलब कि आपका काम हो। देखो x स्क्वायर है ना, मुंह किधर खुलेगा बोलो? ऊपर नीचे। x स्क्वायर है ना, मुंह किधर खुलेगा? ऊपर नीचे। उल्टे मुंह खुलता है, x पे पावर दो तो मुंह किधर खुलेगा? ऊपर नीचे। ठीक है, ऊपर नीचे मुंह खुलेंगे। अब बताओ प्लस है कि माइनस है? प्लस है। मुंह किधर खुलेगा? ऊपर। मुंह ऊपर खुलेगा, एक चीज हम कंफर्म है, एक चीज हम कंफर्म हो गए, मुंह ऊपर खुलेगा। x y x dash y dash ए बेटा मुंह ऊपर खुलेगा ना, सुनो तो चेक करो तो। ए बेटा ये सुनो, चेक करो ओरिजिन से जाएगा कि नहीं जाएगा। x का जगह जीरो रखो तो जीरो स्क्वायर बराबर 4y बोलो, तो y बराबर जीरो होगा कि नहीं होगा? होगा ना बोलो। तो x जीरो y जीरो, पैराबोला कहाँ से जाएगा बोलो? ओरिजिन से, यानी कि मूल बिंदु से। अब मुंह ऊपर खुलेगा ये तो अभी हम लोग तय कर लिए है, इसको मूल बिंदु से लेकर जाओ। अरे बेटा आने वाले समय में मूल बिंदु से नहीं हो जाएगा, इसीलिए हम आपका अभी से ही कंसेप्ट बनाना शुरू कर, हम इसीलिए कंसेप्ट अभी से बनाना शुरू कर दिए हैं। मास्टर 2 दिन बाद क्या होने वाला है, अभी से नहीं लेकर जाएंगे तो आप तो समझ ही नहीं पाइएगा। ए बेटा ये सुनो, इसका समीकरण बोलो तो क्या है? x स्क्वायर बराबर 4y, इसको एक ले लिया ठीक है। एंड x बराबर 4y-2 है, ये तो क्या हम लोग अभी तय किए थे, क्या चीज का समीकरण है? लाइन का। जोर से बोलो क्या चीज का है? ए जोर से बोलो क्या चीज का है? लाइन का। अब देखो ये लाइन कैसे खिंचाएगा, इसमें सिर्फ x अकेला नहीं ना है, अकेला x रहता तो y के समांतर हो जाता और अकेला y रहता तो x के समांतर, लेकिन इसमें x और y दोनों, x और y दोनों, कैसे करेगा तब? कैसे करेगा बोलो? तब यहां देखो तरीका सुनो। ए बेटा सुनो यहाँ पे तरीका, देखो यहाँ पे नुनू ध्यान से देखो यहाँ पे कैसे बनाया। ग्राफ 10वां क्लास में बनाया था? यस सर। आप लोग सब बनाए थे बेटा? ए नुनू एक्स वाई, पहले एक बार एक्स जीरो रखो तो, पहले एक बार क्या जीरो रखोगे? यदि एक्स देखो मुझवानी काम करेंगे, काम कैसे करेंगे जोर से बोलो, कैसे करेंगे मुझवानी? यहाँ देखो यहाँ पे जीरो रख दिया, तो जीरो रखा तो 4y-2 बराबर 0 हुआ बोलो? हाँ हुआ। यहाँ से 4y बराबर 2, y बराबर 1/2, y बराबर कितना हो गया 1/2।
ठीक है। चलो बेटा अब एक बार तुम रखो y0, एक बार क्या रखेंगे y0, चलो y0 रखो तो y0 रखोगे तो x बराबर 0 माइनस 2, x बराबर कितना माइनस 2। चलो दो पॉइंट मिल गया ना, और याद कीजिए कि सरल रेखा खींचने के लिए, स्ट्रेट लाइन खींचने के लिए मिनिमम कितने पॉइंट की जरूरत होती है, दो पॉइंट नहीं, तब आपका दो पॉइंट से एक और केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। एक पॉइंट से भी हम लोग सरल रेखा खींच सकते हैं, लेकिन कितना मिलेगा, अनंत मिलेगा। एक पॉइंट से, एक बिंदु से कितनी सरल रेखा खींची जा सकती है, अनंत, लेकिन दो पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक, इन्हें के डबल अनंत नहीं हो जाएगा। चलिए इधर आइए, आप सुनिए तो, पॉइंट बैठाइए तो, एक्स जीरो तो वाई हाफ, एक्स जीरो तो वाई हाफ, मान लीजिए ये वाला पॉइंट है, नहीं बोलो हो, एक्स जीरो तो वाई कितना जी, हाँ मान लो कि ये वाला पॉइंट तुम्हारा ए, ये वाला पॉइंट कितना है ए, ठीक, ये वाला पॉइंट ए, एन और ए यहाँ पे देखो जी, फिर क्या बोलो तो, एक्स माइनस दो वाई जीरो, वाई जीरो एक्स माइनस दो, मान लो कि ये माइनस दो है, माइनस दो जीरो, इसका नाम ले लो बी, नाम क्या ले लो बी। अब इससे रेखा खींच, देखो तो कैसे की जाएगा रेखा, इस तरह से आप लोग लाइन को खींच दिए, लाइन को क्या किए जी, चिल्ला तुम लोग चिल्लाते थे सोटे लगे हम फट से, लाइन को क्या किए खींच दिए, ठीक। चलो लाइन का समीकरण बताओ कितना है, x बराबर 4y माइनस 2, इसका नाम दे दो 2, नाम क्या दे दो 2। अब पता है कि क्या दिक्कत हो गई, अब क्या क्या छोड़ दिया हम लोग, क्या क्या छोड़ दिए, क्या करना पड़ेगा आपको, सीखना है कि करना क्या है। बोले मास्टर साहब, ए जोर से बोलो, जोर से, ए अंशु इधर, जोर से बोलो, बोलो मास्टर साहब, ए मास्टर साहब, यहाँ पर ये कर्व और ये लाइन एक दूसरे को कितना बार काटता है, दो बार काटता है, कहाँ कहाँ काटता है, बोलो एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ये दो जगह काटा है ना, हम लोगों को इसका क्षेत्रफल निकला, ध्यान से देखो, हम लोगों को इसका क्षेत्रफल निकालना, निकालना है कि नहीं निकालना है, बोलो हाँ या नहीं, निकालना है तो निकालना है तो एमटी, देखो एक यहाँ पर काटा एक यहाँ पर काटा, हम लोगों को इस दोनों का क्या लेना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट लेना पड़ेगा, ई पॉइंट का कोऑर्डिनेट लेना है और ई पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना है, और कोऑर्डिनेट तभी लिखेंगे हम लोग, तभी लेंगे जब दोनों को सॉल्व कर पाएंगे, दोनों को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो आइए दोनों को सॉल्व कीजिए, तो एक और दो को सॉल्व कीजिए आप, वन एंड टू इम्प्लाइज, ए बेटा चलो x की जगह पे जरा ये रखो तो, बोलो 4y माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर कितना 4y, ए जी जरा बेटा इसको सॉल्व करो तुम लोग, ये कितना है, ए बेटा ऐसा करो ना, ऐसा मत करो, जानते हो क्या करो, यहाँ से 4y बराबर x प्लस 2 लिख सकते हैं, और ज्यादा आसान हो जाएगा, बोलो हाँ, इससे ज्यादा आसान ना होगा, यहाँ पे 4y बराबर x प्लस 2 हो गया ना, अब एक और दो को आप सॉल्व करो, x स्क्वायर, एंड नो यहाँ पर 4y के जगह क्या लिखना है, x प्लस 2, 4y के जगह x प्लस 2, अब एक तरफ कर दो। अच्छा एक बात बताओ मेरे साथ, एक बार आप लोग पूछिए कि मास्टर साहब एक बात बताइए, ए बोलता रहने जी, बोलो मास्टर साहब एक बात बताइए कि आप तो पहले y में सॉल्व कर रहे थे, फिर उसको मिटाकर x में क्यों किए, आसान वाली बात नहीं है, बात ये है कि स्ट्रिप हम लोग बनाएंगे किस पे, x एक्सिस पे स्ट्रिप बनाएंगे, तो y कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ती है क्या, पड़ती है क्या y कोऑर्डिनेट का, तो काहे हम y निकालेंगे, हमको क्या चीज की जरूरत पड़ती है, क्या चीज की जरूरत पड़ती है, यदि x की जरूरत है तो y कह के निकालेंगे, काहे फालतू को फंसेंगे, इसीलिए x निकाले, मार वो छोटा जानकारी लेगा, छोटा दिन से जानकारी ले रहा है, टाइम होगा तो जाओ हमारा क्लास चलते रहेगा, वीडियो देख लेना, ठीक है, जिसको जाना है जाइए, अभी कहाँ क्लास है, कौन सा, कोई बात नहीं, हम बोले जिसको जाना है जाओ, मेरा क्लास चालू रहे, वीडियो देख लेना, ये वीडियो कल चलेगा, ठीक है, चलो इधर आओ, हाँ एनुनु चलो इसको बताओ तो, फैक्टर करो तो जी कितना होगा,
दो एक कम दो, दो से एक गया एक, हाँ फैक्टर टूट रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स एन, ए बार एन का है, सुनो एन नो पैसा को लेकर आना है, इसमें कोई मोहताज नहीं होगा, अब कोई मौका आपको नहीं मिलेगा। माइनस टू बराबर जीरो। चलो जी यहाँ पे बताओ क्या होगा, एक्स कॉमन, तो एक्स माइनस टू, एक्स माइनस टू यहाँ पर वन कॉमन, एक्स माइनस टू बराबर जीरो, ठीक है। आप देखो तो क्या हो गया जी, x माइनस टू एक्स प्लस वन बराबर जीरो, ठीक। अब बताओ यहाँ पर x बराबर दो हो गया और यहाँ पर x बराबर कितना है, माइनस है, x बराबर दो, x बराबर माइनस है। चलो यदि इच्छा है तो दोनों से y का मान भी निकाल लो, इसमें y का मान रखे बोलो तो, समीकरण दो में रख, समीकरण दो में रख कर y का मान निकालो, हालांकि जरूरत है नहीं फिर भी निकालोगे तो निकाल लो। यहाँ पर x के जगह दो रखेंगे, नहीं यहाँ पर x के जगह दो, तो 4y बराबर दो प्लस दो, तो 4y बराबर चार, y बराबर कितना हो गया एक, यानी कि x बराबर दो y बराबर एक। चलो एक पॉइंट मिल गया यहाँ पर, अब दो तो 4y है जी, 4y बराबर कितना, x के जगह माइनस वन प्लस टू यानी कि वन, तो y बराबर वन बाय फोर, यानी कि x बराबर माइनस वन y बराबर वन बाय फोर। अब बोलो दो पॉइंट मिला ना, ए बाबू ये सुनो बताओ तो टू वन कहाँ पे लिखोगे, टू वन कोऑर्डिनेट का इधर लिखेगा उधर लिखेगा, उधर क्योंकि दोनों प्लस में है ना, दोनों प्लस में है, इसका कोऑर्डिनेट दे दो, इसको मान लो क्यू, ये हो गया टू वन, और यहाँ पर मान लो P है, ये कौन सा पॉइंट है जी, P, P है, बताओ तो P का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, माइनस वन वन बाय फोर, कितना हुआ बोलो तो, माइनस वन वन बाय फोर। चलो बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक। अभी तो हम लोग स्ट्रिप बनाए भी नहीं है, अभी हम लोग किसमें फंस गए थे, कोऑर्डिनेट निकालने में। अब चलो स्ट्रिप बनाओ, तो ये लाइन के नीचे स्ट्रिप बनाओ, बन गया बोलो, हाँ बन गया, इसकी चौड़ाई डी एक्स और बताओ तो ऊंचाई क्या होगा, y, y, ऊंचाई क्या होगा, नो y, ऊंचाई क्या होगा y, ठीक। और ज्यादा न ले लिया, देखो तो yes, ये नीचे वाला जो रंगीन पार्ट से बाहर ना है, बोलो रंगीन भाग से बाहर है कि नहीं है, ज्यादा हो गया, ज्यादा है इसके नीचे भी बना लो, ज्यादा है इसके नीचे बनाकर इसको घटाना पड़ेगा, ये हो गया डी एक्स को और ये हो गया y, नीचे से बनाकर क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो इधर आओ, तो ऐसा कीजिए बाबू, रिक्वायर्ड एरिया बराबर, रिक्वायर्ड एरिया, ए नो नो, रिक्वायर्ड एरिया, ठीक है, रिक्वायर्ड एरिया, देखिए तो रिक्वायर्ड एरिया लेना, ठीक है। तो इंप्लीकेशन y dx अब माइनस इंप्लीकेशन y dx, माइनस इंटीग्रेशन वाई डी एक्स, और ध्यान रहे प्यारे बच्चों, ध्यान ये रहे कि आपको लिमिट यहाँ पर क्या देना है, x बराबर क्या है जी, नहीं माइनस एक है ना, x बराबर माइनस एक है, ये वाला तो कोऑर्डिनेट इसका था, x बराबर माइनस एक, x बराबर दो है, माइनस एक से दो तक हम लोग जा रहे हैं, माइनस एक से दो तक। बताओ स्क्रिप्ट पहले किसके नीचे बनाया, लाइन के नीचे, तो पहले लाइन का समीकरण लिख दो, लाइन का समीकरण दो है, है नो, घटाया किसको है बोलो तो, पैराबोला के नीचे वाले को घटाया ना लो, ए इधर देख के बोलता नहीं है, इसीलिए बोलवाते हैं, उधर देखता है उसको देखता है, बोलो किसके नीचे घटवाएगा, बोलो किसके नीचे घटेगा जी, पैराबोला के नीचे। चलो पैराबोला का समीकरण बोलो तो कितना है, ए, पैराबोला का समीकरण कितना है, ए। अच्छा बेटा एक चीज ध्यान में रखना, ये इंटीग्रेशन का वैल्यू एनी हाउ प्लस आना चाहिए, एनी हाउ क्या आना चाहिए, प्लस, यदि माइनस आ जाए ना मोड लगा कर प्लस कर देना, देखना ध्यान से, हाँ एक चीज ध्यान से देखना, माइनस आ जाए तो मोड लगा के क्या कर देना है, प्लस। तो पहले दो से मान निकालो, तो दो से वाई का मान निकालो, तो यहाँ से वाई मान निकालेगा तो एक्स प्लस टू बाय फोर हो जाएगा, और फिर वन से वाई का मान निकालो, तो यहाँ से वाई का मान निकालेगा तो एक्स स्क्वायर बाय फोर हो जाएगा, x स्क्वायर बाय कितना हो गया बेटा, 4। चलिए ठीक है, वेरी गुड, x स्क्वायर बाय 4 हो गया।
ठीक है, इसको फटाफट आप लोग नोट कीजिए बाबू, हम इधर मिटा देते हैं तब तक, इस तरह तो हो गया होगा। दोनों इंटीग्रेशन के वैल्यू प्लस कह लेना है, हमेशा इस चीज को याद रखना, माइनस नहीं हो सकता है, माइनस होगा तो फटाफट नोट लगा देना, ठीक, नहीं तो फिर आंसर गड़बड़ हो जाएगा। अब देखो रिक्वायर्ड एरिया बराबर क्या मिला, पहला देखो तो माइनस वन से कितना दो, नो दो नंबर समीकरण से वाई के वैल्यू बताओ कितना है, बोलो जी, दो नंबर से एक्स प्लस टू बाय फोर, एक्स प्लस टू बाय फोर डी एक्स माइनस, चलो एक नंबर समीकरण से बताओ तो कितना है, एक्स स्क्वायर बाय फोर, एक्स स्क्वायर बाय फोर, एक्स स्क्वायर बाय फोर डी एमटी। चलिए बताइए तो पहले 1 बाय 4 कांस्टेंट है उसको बाहर ले लीजिए, 1 बाय 4 कांस्टेंट है बाहर, और ये भाई साहब कितना हो जाएगा जी, x का कितना हो जाएगा, x स्क्वायर बाय 2, और 2 का कितना हो जाएगा, 2 का इंटीग्रेशन 2x हो जाएगा, लिमिट कितना माइनस 1 से 2, 1 बटे 4 बाहर है बेटा, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाय 3 माइनस 1 से 2, माइनस वन से टू, चलिए जी 1/4 पहले अपर लिमिट रखे। ए बेटा देखिए एक के बाद हम काम करेंगे, ए बेटा सुनो एक ही साथ काम करेंगे, x के जगह दो रखो यहाँ पे, तो x के जगह दो रखो, बोलो कितना होगा, सब जोर से बोलो, ये जोर से बोलो, x के जगह दो रखो, दो दुनी चार बटे दो कितना हो जाएगा, दो, फिर यहाँ पर x के जगह दो रखो, दो दुनी चार, फिर माइनस दे, फिर क्या देना है माइनस, अभी लिखो मत, यहाँ देखो x के जगह माइनस एक रखो, तो माइनस एक का स्क्वायर कितना जी, एक, यानी कि एक बटे दो, ए बेटा सुनो यहाँ पर x के जगह माइनस एक रखेगा ना तो कितना हो जाएगा, दो एक कम माइनस, ये कितना हो जाएगा माइनस, चलो वेरी गुड। चलो इधर आइए बाबू, ऐसो ना बेटा इधर आइए, तो क्या होगा बोलिए तो, एक बटे चार, बेटा x के जगह क्या रखिएगा, दो, तो दो दूने चार दूने आठ, यानी कि 8/3 माइनस x के जगह माइनस एक रखिएगा, माइनस एक पे पावर तीन, माइनस एक हो जाएगा ना, माइनस 1/3, माइनस 1/3, अब देखे तो क्या मिल गया बाबू, i बराबर 1/4, चार दो छ, 6 माइनस 1/2 प्लस 2, ठीक है, माइनस 1/4 एवरीथिंग, माइनस गुणी माइनस प्लस हो गया ना जी, 8 और 1 मिलके कितना 9, 8 और 1 मिलके 9, 9/3, 9/3 हो गया, ठीक है 9/3, चलिए वेरी गुड। और देखिए तो फोटो तो बना लिए होंगे आप लोग, फोटो बना लिए होंगे ना, अब देखिए तो क्या मिला आपको, अब तो आंसर आ जाना चाहिए 9/8। अच्छा देखिए ना, सॉल्व कीजिए ना, तो आई बराबर कितना हो गया देखिए तो 1/4, और यहाँ पर दो ले लीजिए एलसीएम, दो एलसीएम, तो 6 × 12 = 1 जोड़ 2 × 4 माइनस एन नो, ये 9 एकम ना हो गया ना जो ऊपर, और नीचे 4 × 1 = 12 नहीं, ये तो कट जाएगा ना, तीन बार में कट जाएगा, तो 3/4, ये आपका हो गया 3/4, तो आई बराबर है बेटा 12 और 4 कितना जी 16, 16 से एक गया 17, 17/4 × 8 अरे 12 × 4 कितना 16, 16 से एक गया 15, ठीक है 15/8 और 3/4 8 लघुत्तर, 15 × 4 × 8 3 × 2 = 6 बताओ 9/8 है जी आंसर, 9/8 है कि नहीं बोलो, हाँ या नहीं, स्क्वायर स्क्वायर है ना, चलो 9/8 स्क्वायर यूनिट्स हो गया, यही हो गया आपका आंसर, यही आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है।
ठीक है। हाँ ये आज ये खत्म हो जाएगा, हम पहले बता रहे हैं, जिसका छूट रहा है वो कल वीडियो देख लेना। रोज आपको ऑफलाइन भी क्लास करना है और उसका ऑनलाइन भी करना है। यदि कुछ सवाल इसमें कम हो जाता है ऑफलाइन में तो उसको ऑनलाइन में हम पूरा कर देते हैं। एनु 10 बजे क्या कर रहा है? 10 बजे भी आना, 10 बजे वेक्टर के क्लास चलेगा, सबको बता रहे हैं 10 बजे भी क्लास है वेक्टर का। क्या है देखे तू क्या कहता है कि find the area of the region bounded by the curve y square equal to 4x and the line x equal to 3। ए बेटा सुनिए, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है? कर्व लिखना है। क्या करना है जी? कर्व लिखना है। तो यहां पर लिखे given curves are solution में, given curves are y स्क्वायर बराबर 4x, नंबर एक हो गया, और एक है x बराबर 3, ये नंबर हो गया 2। समझ गया? ये 2 हो गया। एमटी बताओ तो यहाँ पर x पे y पे पावर है ना, y पे 2 पावर है, क्या चीज का समीकरण ये? पैराबोला का है, बताए थे ना, ये पैराबोला है। पैराबोला, पैराबोला का पहचान बताए हैं कि एक ही जगह 2 पावर रहेगा, दोनों जगह नहीं रहेगा। इसमें x बराबर 3 किसका समीकरण है? लाइन का है, ये लाइन का समीकरण। चलो वेरी गुड। अच्छा आप एक बार फिर से बताओ, ये जो पैराबोला है स्क्वायर किस पर है? y पे। तो मुंडी किधर खुलेगा, मुंह किधर खुलेगा? आजू बाजू, आजू बाजू बोलो। हाँ आजू बाजू। अब प्लस है तो आजू में, माइनस है तो बाजू, यानी कि इस तरह से खुलेगा। ध्यान से देखो तो x y x प्लस y प्लस, आजू में इधर से मुंडी खुलेगा। देखो ये बताओ तो किसका समीकरण हो गया? y स्क्वायर इक्वल टू 4x। एनो नो ए बेटा देखो तो ये x बराबर 3 है ना, तो x बराबर 3 किसके समांतर? y के समांतर। x बराबर 3 किसके समांतर रेखा होगा? y के समांतर। ये देखो y के समांतर x बराबर 3 लिख दिया, समझे? आप देखो तो क्या मिला, ये जो है ना जो रंगीन पार्ट है उसी का, इसका हम लोगों को निकालना है एरिया, रंगीन पोर्शन के निकालना है एरिया। लेकिन ये एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो दोनों एरिया नए निकाल कर एक एरिया निकाल, एक एरिया क्या करो निकालो, और इसको किससे गुणा कर देगा? दो से। ये तुम्हारा हो गया dx y, और कितना हो गया y, ठीक है? अब देखो तो बाबू है बेटा, required area बराबर क्या होगा? integration y dx, और dx है तो dx का x का लिमिट चलेगा ना। यहाँ पे बताओ x बराबर कितना है? 0। और यहाँ पे बताओ x बराबर कितना है? 3। और y किसका किसके नीचे स्ट्रिप बनाया? पैराबोला। पैराबोला का समीकरण कितना है? 1। पैराबोला का समीकरण है 1, ठीक है? अब बताओ, अब सबसे पहले y का मान निकालो, तो 1 से, 1 से पहले y का मान निकालिए आप लोग। 1 implies बेटर है, y का मान 4 का वर्गमूल तो 2, और x का वर्गमूल कितना? रूट एक्स। x का वर्गमूल हो गया रूट एक्स, समझ गए? x का वर्गमूल हो गया रूट एक्स। चलो आओ यहाँ देखो तो required area क्या मिला? आरए का मतलब क्या हो जाता है? हाँ बार बार हम बोले required area मतलब हिंदी में अभिष्ट क्षेत्रफल। हिंदी में क्या लिखेगा? अभिष्ट क्षेत्रफल। हिंदी में क्या लिखेगा? अभिष्ट क्षेत्रफल। देखो तो बेटा दो से गुना नहीं करेगा, दो से गुना कीजिए। इंटीग्रेशन 0 से 3 2 रूट एक्स डी एक्स, ठीक है? ए बेटा सुनो तो ये दो दो बाहर, दो बाहर तो दो दो नहीं कितना जी? 4। चलो बोलो तो रूट एक्स के इंटीग्रेशन 2/3 एक्स पे पावर 3/2
x पे पावर 3 बाय 2 और लिमिट हो गया 0 से 3। ठीक, चलो इधर 4 इंटू 2 बाय 3 कॉन्स्टेंट बाहर कर दिए। चलो x के जगह पे क्या रखेगा 3, तो 3 पे पावर 3 बाय 2 और x के जगह पे 0, तो 0 पे पावर 3 बाय 2। अब रे 4 दुनी 8 बटे 3 है बता, इसको 3 पे पावर 3 और इस पे पावर 1 बटे 2 लिख सकते हैं कि नहीं, इसको 3 पे पावर 3 इस पे पावर 1 बटे 2, ये तो भाई साहब खत्म 8 बटे 3 बाबू, तो 3 3 9 9 3 27 9 3 कितना दी 27, और ये जो हाफ पावर है ना इसका मतलब क्या हो जाता है रूट, हाफ पावर का मतलब रूट, यानी कि 8 बटे 3 और 27 का वर्गमूल 3 रूट, 27 का वर्गमूल कितना हो गया 3 रूट। ए आंसर देखो तो कितना है ना 8√3, तो रिक्वायर्ड एरिया बराबर 8√3 स्क्वायर इंच, 8√3 स्क्वायर इंच। ठीक है चलो फटाफट आंसर है ना इतना जी, चलो नोट करो तो फटाफट देखो मनु क्या है क्वेश्चन पढ़ो तो, क्या कहता है कि एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक चीज याद रखना कौन सा घर में बोल रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ पे लिखो तो यहाँ पे इसको लिखो फर्स्ट क्वाड्रेंट, हो गया ना फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसके बाद पढ़ो तो क्या है एंड बाउंडेड बाय द कर्व, देखो कौन को कर्व है 1 2 3 तीन को कर्व है, कर्व क्या है बोलो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4, एक्स बराबर 0, एक्स बराबर 2, समझ गया तीन कर्व है इसका, इस एंड लो यहाँ पर 4 के जगह पे 2 स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक, ये हो गया एक नंबर, ये दो नंबर, ये तीन नंबर, बताओ तो ऊपर किसका समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, किसका समीकरण होता बोलो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, सर्किल होता, वृत्त का होता है, ये सर्किल है, सर्किल है ना, एक्स बराबर जीरो बोल दो किसका है समीकरण, लाइन का है लेकिन x बराबर 0 y एक्सिस कहलाता है ना, x बराबर 0 क्या कहलाता है y एक्सिस, लाइन सही बात है एकदम सही बात है, लाइन का है y एक्सिस भी तो लाइन है ना है, x बराबर 2 ये भी लाइन है, ये भी लाइन है और ये भाई साहब x बराबर है तो y के पैरेलल लाइन होगा, y के क्या होगा पैरेलल लाइन। अब देखो तो एक बनाओ तो ग्रिड x y x dash y dash ये 0। ठीक, अब सुनो नुनु है बेटा बताओ तो इस सर्किल का त्रिज्या कितना है जी 2 है ना, a स्क्वायर आता है तो त्रिज्या a हो जाता है, इसका त्रिज्या 2 है, तो इस प्रकार से बनाओ तो इस तरह से सर्किल हो गया, सर्किल हो गया, इसका समीकरण हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 2 स्क्वायर, नाम एक दे दो नो, इसका कोऑर्डिनेट बताओ क्या होगा a 0 होता है ना, यानी कि कितना 2 0, a 0 होता है तो कितना हो गया 2 0, इसका बताओ तो 0 b 0 a यानी कि 0 2, अब तुम्हारा ये कितना हो जाएगा a डैश माइनस 20, कई बार बताए हैं ये वृत्त है 0 माइनस, ये वृत्त है, तुम मेरा पहला लेक्चर देखना, इसका जो है पहला लेक्चर देखना है, समझ गए, पहला लेक्चर में पूरा डिटेल से बताए थे, फिर भी हम बता देते हैं, देखो यहाँ पर क्या है बोलो जोर से बोलो, बोलो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, बोलो बराबर ए स्क्वायर, ए क्या होता है बोलो वृत्त की त्रिज्या, ए क्या होता है वृत्त की त्रिज्या, ठीक है त्रिज्या यहाँ से यहाँ दूरी हुआ बोलो वाह, एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो गया 2, एक्स एक्सिस को वाई कोऑर्डिनेट कितना होता है, एक्स एक्सिस को वाई कोऑर्डिनेट कितना होता है, देखो त्रिज्या 2 लिखे
और वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा जीरो एन ए प्लस है तो एन ए जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस एन ए प्लस है तो एन ए आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस बात खत्म बुझा कि नहीं बुझा चलो इधर आओ अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट का बोल रहा है चलो सुनो एन नो है बेटा बोल ले रे फर्स्ट क्वाड्रेंट ए बेटा इसका समीकरण x बराबर जीरो है बेटी रे x बराबर दो है ना बोलो हाँ x बराबर दो मतलब y के समांतर रेखा कितना दूरी पे दो दूरी पे तो दो दूरी पे यहाँ पे एक समांतर रेखा खींच दो इस तरह से एक रेखा खींच दो इसका समीकरण कितना हो गया x बराबर दो अब बताओ स्ट्रिप कैसे बनाएगा एक वर्टिकल स्ट्रिप बना लो स्ट्रिप कैसे बनेगा वर्टिकल बोलो ये क्या हो गया डी एक्स और बेटा बोलो ये क्या हो गया वाई ये हो गया वाई अब निकल जाएगा अब बताओ तो रिक्वायर्ड एरिया कितना हो गया रिक्वायर्ड एरिया बराबर बोलो तो मनु बेटा बोलो इंटीग्रेशन वाई डी एक्स काहे के पहले क्वाड्रेंट में लेना है वाई डी एक्स बताओ यहाँ पर x बराबर कितना है जीरो और यहाँ पर x बराबर कितना है दो जीरो से दो और ये y किसका लेगा सर्किल के नीचे बनाया है ना स्ट्रिप स्ट्रिप किसके नीचे बनाया है सर्किल के इक्वेशन क्या है वन सर्किल की इक्वेशन है वन अब एक से y का मान निकालो तो एक से y का मान निकालो देखो तो y स्क्वायर बराबर टू स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि y बराबर अंडर रूट टू स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा हाँ या नहीं बोलो हाँ अब सुनो अब रिक्वायर्ड एरिया बराबर देखो तो नुनु जीरो टू टू y के जगह पर अंडर रूट टू स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इसका इंटीग्रेशन जानते हो ना कितना बार बताए कई बार बताए क्या होता है हाफ x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है अब फिर प्लस ए स्क्वायर बाय टू और साइन वर्स एक्स बाय ए साइन वर्स कितना हो जाता है एक्स बाय कौन सा फॉर्मूला लगा यहाँ पर मेरे साथ बोलो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लगा समझ गया कौन सा फॉर्मूला लगा दिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है बेटा लिमिट बोलो तो कितना है जीरो से दो लिमिट कितना है जी जीरो से दो समझ गए ऑब्जेक्टिव में आया है किसमें आया है ऑब्जेक्टिव में हालांकि देखो आंसर तो तुम खट से इसका निकाल सकते हो बोलो कैसे वृत्त का क्षेत्रफल बताओ तो कितना होगा जब त्रिज्या दो है तो पाई आर स्क्वायर होता है ना तो एक्स के जगह दो रखोगे आर के जगह दो रखोगे तो कितना देखो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर यानी कि 4 पाई हुआ ना लेकिन एक बात बताओ तुमको एक के निकालना है जी चार से भाग देगा कि नहीं देगा एक ही भाग का निकालना है आंसर क्या आना चाहिए पाई मार तो दोगे मुझवानी है पाई मार तो दोगे लेकिन मेथड तो बनाओ तो देखो पसीना छूट रहा है इधर एग्जाम इतना अरे हमको तो सिखाना है इन्हें सिखाएंगे हमको सिखाना ना पड़ेगा अब तुम यहाँ देखो पहले अपर लिमिट रखो तुम x के जगह दो रखो दो अंडर रूट टू स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर प्लस दो दुनी चार चार बटे दो हो गया साइन वर्स दो बटे दो ठीक अब इधर देखो जीरो रखो तो नुनु एक बटे दो x के जगह पे जीरो टू स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर प्लस दो साइन वर्स जीरो बटे दो ये दो दो खत्म बेटा रहे ये तो जीरो ना ये खत्म दो गुना एबीटी बोलो तो क्या हो गया साइन वर्स वन ये तो पूरा जीरो ना हो गया ये भी पूरा जीरो हो गया चलो तो बहुत बहुत बढ़िया दो गुनी ए नो बताओ तो साइन में किसका मान एक होता है 90 डिग्री पाई बाय टू पाई बाय टू दो दो खत्म यानी कि रिक्वायर्ड एरिया बराबर कितना आ गया पाई दिख रहा है आज दिख रहा है पाई आ गया ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया सही फर्स्ट तो देखो तुम इतना मेहनत ना किए बोलो लेकिन यहाँ पर तो मुझवानी तो बन गया नहीं यहाँ पर एक बताओ वृत्त का तुम्हारा त्रिज्या कितना है तो क्षेत्रफल कितना
पाई आर स्क्वायर तो पाई गुना दो पे पावर दो तो फोर पाई, लेकिन ये तो पूरे वृत्त में मिल गया, लेकिन कितने भाग का निकालना है? एक भाग का, किससे भाग देगा? चार से भाग देगा, किससे भाग देगा? चार से, चार से भाग दिया तो आंसर क्या मिलेगा? अरे दो को पूछेगा तब ना करेगा, अरे जब दो को पोर्शन का पूछता तो दो से भाग देता ना, दो से, अरे चार भाग में को पूछ रहा है, चार से भाग नहीं देगा, चार भाग में को को पूछ रहा है, चार से भाग देगा, किससे भाग देगा? तो दूसरे भाग देता है ना, हाँ चलो चलो और तो इसको स्टार्ट करते हैं, पढ़ो क्या लिखा हुआ है, नो देखो तो क्या है सॉल्यूशन, ए यहाँ देखो जी एरिया आ एरिया निकालना है किसका, देखो देखो कर्व दिया हुआ है, क्या कर्व दिया हुआ पढ़ो तो y स्क्वायर बराबर 4x और दिया हुआ y एक्सिस और एक को दिया हुआ है लाइन, यही ना तो पहले लिखो तो तीनों कर्व लिखो, तो तीनों कर्व लिखो गिवन कर्व्स आर, बोलो कितना है y स्क्वायर बराबर 4x, y एक्सिस का मतलब x बराबर 0 हो जाता है, ये हो गया तुम्हारा y एक्सिस और y बराबर ए हल्ला गुला है तो बैठना चुपचाप बैठो उधर, y बराबर टू ए रे 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 चलो क्या बताओ कि क्या चीज का समीकरण पाला, क्या चीज का है पैराबोला, ऊपर वाला है पैराबोला, बहुत बढ़िया, ये तो y एक्सिस सही है इसको दो मान लो और x एक्सिस है ये y बराबर थ्री, लाइन ना है जी, ये तीन नंबर समीकरण, ये क्या चीज का समीकरण है बोलो, लाइन का, क्या चीज का है लाइन का, अब बताओ तो यहाँ पर y स्क्वायर है ना तो पैराबोला का मुंह कैसे खुलेगा, बोलो बोलो आजू बाजू कैसे ऊपर खुलेगा, y पे पावर है ना उल्टा होता, y पे पावर आता तो x एक्सिस पे मुंह खुलता, मुंह आजू बाजू खुलेगा बोलो, अब प्लस है तो आजू में खुलेगा, प्लस है तो में कहाँ खुलेगा आजू में, इधर देखो कैसे खुलेगा ध्यान से देखो बेटा, देखो ये एक है रे, कौन कहता था एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश, इसका नाम क्या है नो बेटा रे, वाई स्क्वायर बराबर फोर एक्स, ए बाबू एक्स बराबर जीरो वाई एक्सिस में हो गया, ये हो गया x बराबर 0, y बराबर 3 है, x के समांतर रेखा होगा ना, y बराबर 3 किसके समांतर रेखा होगा, x के समांतर रेखा हो जाएगा, x के समांतर, x के समांतर, समझ गए, इसका नाम बताइए तो क्या हो गया y बराबर 3, इसका नाम दे दीजिए तीन नंबर, इसका नाम उसको सोचेंगे कुछ नहीं, अरे आवाज किसका आ रहा है, किसके मोबाइल का आवाज आ रहा है, आवाज कैसे बीच बीच में आ रहा है, सुनो अब बताओ कि इसमें कौन सा भाग हुआ तुम्हारा, बोलो तो देखो ध्यान से देखना कौन सा भाग, बोलो y एक्सिस, बोलो y एक्सिस, सब जोर से बोलो y एक्सिस, बोलो कर, बोलो ये लाइन, इससे घिरा हुआ क्षेत्र बताओ तो कौन सा हुआ, ई वाला क्षेत्र हो गया, ई वाला में क्षेत्र हुआ, इसी का एरिया निकालना, इसी का क्या करना है एरिया निकालना, क्या करेगा जी एरिया निकालेगा, तो बताओ स्ट्रिप कैसे बनाएगा, बोलो तो स्ट्रिप ऐसे 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 नहीं, नाम बोलो स्पेशल नाम, वाई एक्सिस पे होगा स्ट्रिप का क्या नाम होता है बोलो, अरे स्ट्रिप का नाम उसको हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप कहते हैं, ऐसे बार बार बोलते हैं ना वर्टिकल, ऐसे वाला क्या हो गया हॉरिजॉन्टल, सुत्तल, सुत्तल क्या करेगा सुत्तल बनाएगा, क्या बनाएगा जी बोलो सुत्तल, ए बोलो इसका बताओ तो चौड़ाई कितना हो जाएगा, डी वाई, चौड़ाई कितना डी वाई, और लंबाई ले लो एक्स, लंबाई क्या ले लो एक्स, अब बताओ बेटी अच्छा डी एक्स, डी वाई लिखो ना, तो रिक्वायर्ड एरिया बोलो तो कितना हो जाएगा
एक्स डी वाई क्या हो जाएगा नोनो एक्स डी वाई एक्स डी वाई चलो हो गया ना यस सर। सुनो लिमिट अच्छा बताओ तो लिमिट किसका जाएगा वाई का वाई यहाँ पर कितना है जीरो जीरो और बोलो यहाँ पर वाई कितना है तीन है तीन वाई कितना है तीन अच्छा नोनो एक बात बताओ कि तुम किसको ऊपर स्ट्रिप बनाया पैराबोला पैराबोला का समीकरण लिखो पैराबोला का समीकरण कितना है पैराबोला का समीकरण कितना है एक है ना अब यहाँ से एक्स का मान निकालो एक से किसका मान निकालेगा एक्स का मान निकालेगा तो वाई स्क्वायर बराबर फोर हो जाएगा कितना हो जाएगा एक्स का मान निकालेगा तो वाई स्क्वायर बटे फोर होगा कि नहीं जोर से बोलो हाँ या नहीं बोलो चलो अब रिक्वायर्ड एरिया लिखो इंप्लीकेशन जीरो से थ्री एबिटी बोलिए तो x का मान बोलिए तो क्या होगा x का मान बोलिए क्या होगा देखे बोलो सब बोलो और जोर से बोलो चिल्ला के बोलो ए प्रेम जोर से बोलो बोलो y स्क्वायर बाय 4 जोर से बोलो y स्क्वायर बाय 4 बोलो x का मान क्या होगा ए जोर से बोलो क्या होगा y स्क्वायर बाय 4 यहां पर y स्क्वायर बाय 4 और dy कांसेप्ट 1/4 कांस्टेंट है बाहर y स्क्वायर के इंटीग्रेशन बोलो तो बोलो साहब वाई स्क्वायर के इंटीग्रेशन कितना होगा जोर से बोलो कितना होगा वाई क्यूब बाय टू लिमिट बोलो जीरो से तीन एक बटे चार वाई की जगह तीन रखो फिर जीरो रखो अब तो काम खत्म ना आई बराबर एक बटे चार और ये तीन से ही नौ हो जाएगा यानी कि आई बराबर नौ बटे चार स्क्वायर बोलो आंसर देखो है जी नौ बटे चार बोलो ऑप्शन नंबर कौन सा ऑप्शन नंबर बी मिला लो उसमें बुक में मिला बी है आंसर बुक में मिला लो आंसर चलो ठीक तुम कहां से देख लिया तुम जब नहीं दिख रहा कल आ गए के आंसर ऑप्शन ना देखिएगा कौन सा है चलो ठीक है भैया थैंक यू।